हमें ऑडिबल। एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके, सो दिस इज द लास्ट डे वी आर हैविंग इट हियर एज ऑलवेज बिकॉज अ फ्यू पीपल आर येट टू जॉइन। सो दिस इज द लास्ट डे वी आर हैविंग दिस मेडिवल हिस्ट्री रिविजन सेशन। दिस इज अ रिविजन सेशन। इट विल हेल्प यू लर्न फैक्ट्स। आपने एक बार पहले से पढ़ रखा है तो आपको रट्टा मार के याद करने में यहाँ से हेल्प मिलेगी। एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू अगर आपने पहले से पढ़ रखा है एंड यू नो दी कॉन्सेप्ट्स। यहाँ से क्रोनोलॉजी भी हम आपकी सेट करने में थोड़ी हेल्प करेंगे। एंड दिस इज कम्प्लीटली प्रिलिम्स ओरिएंटेड, तो हम बस जो PYQ आया हुआ है उसके बेसिस पे चीज़ों को देखेंगे और मोटा मोटा फैक्ट्स को ही हम कवर करेंगे। तो शुरू हम करते हैं कल से। कल जहाँ जो हमने किया था एक बार हम उसको एक क्विक रिवीजन देंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इज द स्क्रीन विजिबल? यस सर, इट इज। ओके, तो कल हमने देखा था सबसे पहले दो इन्वेजन्स। दो इन्वेजन्स किसके बाद किसके द्वारा हमने देखा था? पहला किया इंडिया पे एक मुस्लिम इन्वेजन उबैदुल्ला ने। उबैदुल्ला वॉज डिफीटेड। उसके बाद किया बुदैल ने। बुदैल वॉज डिफीटेड। उसके बाद आए मोहम्मद बिन कासिम, जिनको हम बोलते हैं पहला सक्सेसफुल इन्वेजन। तो आप बुक्स में देखेंगे तो मोहम्मद बिन कासिम का नाम मिलता है। द ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, 712 AD। तो मोहम्मद बिन कासिम 712 AD। उसके पहले दो जन का नाम होगा तो उबैदुल्ला बुदैल। इफ इट वुड बी ग्रेट, क्योंकि नाम थोड़े से कठिन है, इट वुड बी ग्रेट इफ यू स्पीक अप। बोलोगे तो याद होगा, नाम आगे ऐसे यस बहुत सर, आएंगे। उबैदुल्ला एंड बुदैल। बुदैल उबैदुल्ला बुदैल मोहम्मद बिन कासिम, ये क्रोनोलॉजी है। मोहम्मद बिन बारह कासिम, एडी 712 AD में आए थे। यस, चचनामा कहाँ आए थे? वो आए थे सिंध में। सर, सिंध उन्होंने कब्जा किया था। कौन था राजा उस समय? दाहिर था। ये सब पूरा इवेंट दाहिर हमको पता कहाँ से चलता है, कैसे मालूम ये आया था? चचनामा नाम चचनामा की एक बुक है। कौन सी लैंग्वेज है? पर्शियन लैंग्वेज है। तो सिंध नस्तलिस्तन। कॉन्क्वेस्ट ऑफ अरब्स, नेस्टलिक इज अ स्क्रिप्ट। यस, नेस्टलिक स्क्रिप्ट। नेस्टलिक स्क्रिप्ट ये जहांगीर वाले पार्ट से शायद आपको नेस्टलिक स्क्रिप्ट पता होगा। नेस्टलिक स्क्रिप्ट में जहांगीर के बारे में लिखा था एक स्तंभ पे। कौन सा था वो? कौन सी? प्रयाग प्रशस्ति। सर प्रयाग यार, प्रशस्ति प्रश्न पे। सर, यस, इट्स प्रयाग प्रशस्ति, जिसमें जहांगीर के बारे में लिखा था उनके एक कोर्ट हिस्टोरियन या कोर्ट पोएट ने, इन नेस्टलिक स्क्रिप्ट। तो पर्शियन टेक्स्ट था, सिंध जगह का था, दाहिर थे राजा उस समय। और ये पूरा कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो गया, एक इवेंट क्लियर हो गया। इवेंट्स में देख रहे हैं, पहला इवेंट ये था, उबैदुल्ला बुदैल ये दोनों आए, मोहम्मद बिन कासिम 712 AD, रीजन था सिंध, राजा का नाम था दाहिर। पता कैसे चलता है? चचनामा। इसमें चच इज द चचनामा। फादर ऑफ दाहिर। बस ये एक इवेंट क्लियर। सेकेंड इवेंट में हम देखेंगे अब गजनवीड एम्पायर के बारे में। गजनवीड एम्पायर के शुरू किसने किया था? अलप्तजीन ने। क्वेश्चन आ सकता है अलप्तजीन इज रिलेटेड टू व्हाट? अलप्तजीन क्या है? कपड़ा है, कॉइन है, किंग का नाम है, क्या है? तो अलप्तजीन गजनवीड एम्पायर के फाउंडर थे। कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो दिमाग में बस याद रखिए अलप्तजीन वॉज फाउंडर ऑफ गजनवीड एम्पायर। इसको यमनी डायनेस्टी भी कहते थे। यमनी से रिलेटेड कुछ भी आता है, यमनी डायनेस्टी इज गजनवीड एम्पायर। अलप्तजीन ने गजनी को अपना कैपिटल बनाया, ठीक है, वो तो इतना बेसिक पता ही होता है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ जाता है ये, गजनी ने 1019 और 1020 में हमला किया था चंडेला डायनेस्टी पे। चंडेला डायनेस्टी के राजा थे विद्याधर। भीमदेव, ये विद्याधर, विद्याधर, सॉरी सॉरी, विद्याधर इनसे यस यस, हार गए थे, उसके बाद भीमदेव से जीते थे। इफ यू गो इन क्रोनोलॉजी, तो ओके सबसे ओके, पहले 1019 और 1020 में विद्याधर से लड़े, चंडेला डायनेस्टी के। वो मोस्ट पावरफुल रूलर थे चंडेला डायनेस्टी के, और उनसे महमूद गजनी हार गया। उसके बाद 1000 उसके बाद वो वापस आया और भीमदेव से वो युद्ध करता है, सोमनाथ टेम्पल। ये तो बहुत ही फेमस इवेंट है जो सबको पता है। तो महमूद गजनी ने सोमनाथ टेम्पल को लूटा था और उसको प्लंडर किया था। उस समय राजा थे भीमदेव 1। अब अगेन वो पूछ सकता है विद्याधर इज रिलेटेड टू विच डायनेस्टी, या आजकल जो 1, 2, 3, 4 वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं उसमें विद्याधर के सामने चंडेला चंडेला की के, जगह, चंडेला की जगह परमार लिख देगा, चहमान लिख देगा, गुर्जर प्रतिहार लिख देगा, कोई और लिख देगा। तो विद्याधर इज चंडेला। डायनेस्टी भी याद रखनी है। भीमदेव इज ऑल्सो चंडेला ना सर,
भीमदेव इज नॉट चंडेला, आई थिंक भीमदेव इज नॉट चंडेला, आई विल हैव टू सर्च फॉर इट, बट आई डोंट थिंक इट्स चंडेला, द रीजंस आर डिफरेंट. इसके बाद हम आते हैं, ही वॉज सोलंकी. सोलंकी को यहां पे चालुक्य भी कहते हैं, गुजरात के रीजन में सोलंकी को चालुक्य भी कहते हैं. दे कैन यूज चालुक्य एंड सोलंकी इंटरचेंजेबली. वाज अ सोलंकी रूलर, चालुक्य बोल दिया तो भी यही है. ओके, भीमदेव सोलंकी और चालुक्य. तो सेकेंड इवेंट में हम महमूद गजनी के बारे में देख रहे हैं. महमूद गजनी 1019-1020 में विद्याधर ने इनको हरा दिया, हिज ऑफ चंडेला डायनेस्टी. भीमदेव को महमूद गजनी हरा देते हैं और सोमनाथ टेम्पल को प्लंडर कर देते हैं. इसका फाउंडर कौन था? अलप्त जीन, और इसको कहते हैं यमनी डायनेस्टी. बगदाद के कैलिफेट ने इनको यमुनुद्दौला या अमीनुल मिलाह कहा था. यमीन अगेन, अब यमीन अमीन याद रखो, यमीन अमीन यमीनी कुछ भी आया, डेट इज महमूद गजनवी. यमुनुद्दौला कहा था इनको, अमीनुल मिलाह कहा था इनको, किसने कहा था? बगदाद के कैलिफेट ने कहा था. अगेन क्वेश्चन आ जाएगा, यमुनुद्दौला अमीनुल मिलाह रिलेटेड टू वॉट? तो याद आना चाहिए, इट इज ऑल रिलेटेड टू महमूद गजनवी. गजनवी के बारे में अब हम उसके कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे. हमने अब तक पढ़ा वो आया, उसको स्टार्ट किसने किया, उसको क्या कहते हैं, आया किससे लड़ाई की और उसको क्या बोला गया. अब हम उसके कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे. कल भी हमने देखा था उसके कोर्ट हिस्टोरियन का नाम है उत्बी. उसका कोर्ट हिस्टोरियन है उत्बी. फिरदौसी इज द कोर्ट पोएट. यस, फिरदौसी इज द कोर्ट पोएट. उसने दो बुक्स लिखी है, किताबुल यमनी एंड तारीखी यमनी. यमनी यमनी अगेन, यमनी यमनी मतलब गजनवीड. उत्बी ने दो बुक्स लिखी हैं, किताबुल यमनी और तारीखी यमनी. उसके कोर्ट में और भी लोग थे, जिसमें सबसे फेमस नाम है अलबिरूनी का. अलबिरूनी वॉज ए ट्रैवलर, बहुत ही फेमस है. उसके साथ मैंने कहा था और भी ट्रैवलर्स हैं, अब्दुल रजाक, निकोला डे कॉन्टी, फाहयान, इत सिंह, वेनजांग, थॉमस कुक, बहुत सारे. इब्न बतूता, इब्न बतूता, यस. और ऐसे पूरा एक सेक्शन दिया हुआ है नितिन सिंघानिया. सो वो पूरे सेक्शन को बहुत इंपॉर्टेंस देना चाहिए और अच्छे से रटना चाहिए. हिस्ट्री का भी पार्ट है और आर्ट एंड कल्चर का भी पार्ट है, वो दोनों में ही आ जाता है. क्योंकि वो लोग यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ के कल्चर के बारे में ही लिखेंगे. तो अगेन, अलबिरूनी किसके कोर्ट में था? गजनवी के कोर्ट में था. गजनवी और अलबिरूनी को एक साथ याद कर लो. आजकल ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, पूछ लेते हैं. बगाकी को याद कर लो, बगाकी ने तारीख सुबुक्तगीन लिखा था. बाकी को याद करने की उतनी जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा हो जाएगा, उतना रहेगा भी नहीं. अलबिरूनी, बगाकी, जिसने तारीख सुबुक्तगीन लिखा है, तारीखी यमनी, किताबुल यमनी, उत्बी ने लिखा है. अभी मैं इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछूंगा, अच्छे से दिमाग में बिठा लो इसको. किताबुल यमनी, तारीख उत्बी. जो बगाकी है ये भी इम्पोर्टेंट है सर, मतलब ये इज दिस बुक इम्पोर्टेंट व्हिच ही हैज. तारीख सुबुक्तगीन, तारीख सुबुक्तगीन, नो नहीं याद हो रहा है तो कोई बात नहीं. सबसे इम्पोर्टेंट इसमें उत्बी और अलबिरूनी ही है. बगाकी क्योंकि उसने बुक लिखी है इसलिए मैंने बोल दिया. ये सारों को तो जाने ही दो, होता है तो रट लो, नहीं तो नहीं. बगाकी, यस, तारीख सुबुक्तगीन, होता है तो रट लो. सबसे इम्पोर्टेंट अलबिरूनी और उत्बी है इसमें, और नीचे आएगा फिरदौसी. फिरदौसी इन लोगों को जाने दो. यस, शाहनामा लिखा है फिरदौसी ने, याद कर लो, बुक्स भी रट लो. किताबुल यमनी, तारीखी यमनी, उत्बी, तारीख सुबुक्तगीन, बगाकी, शाहनामा लिखा है फिरदौसी ने. बुक्स में भी पूछ लेगा, ऊपर नीचे नाम बदल देगा. शाहनामा लिखा है फिरदौसी ने. ही वॉज द फेमस कोर्ट पोएट ऑफ महमूद गजनवी. कोर्ट पोएट था फिरदौसी. कोर्ट पोएट, कोर्ट हिस्टोरियन, दो हमने देख लिया. बहुत ही स्लो जा रहे हैं, जोर हमारा रट्टा मारने पे है और इम्पोर्टेंट चीजों का रट्टा मारने पे, राइट? यस सर. फरिश्ता के बारे में दिया है, वो बाद में आके देखते हैं, क्योंकि क्रोनोलॉजी से अलग जा रहा है. अलबिरूनी को हमने ऊपर पढ़ा था. अलबिरूनी किताबुल हिंद लिखी है इसने. अल हिंद, इल हिंद, हिंद से रिलेटेड जो भी आता है वो अलबिरूनी, ठीक है? तो एक तहकीके हिंद भी लिखी है अलबिरूनी ने. वो कब पैदा हुआ था उससे खास मतलब नहीं, लेकिन याद रखो 1000 के आसपास है ये. गजनवी आया कब इंडिया में? 1019-1020 में वो युद्ध कर रहा है. 1000 सोमनाथ को उसने प्लंडर किया इसी ईयर के आसपास. तो और ये 973 कुछ साल पहले पैदा हुआ होगा ये. तो 1000 के प्लस माइनस 30 प्लस 30 में चल रहे हैं हम लोग इस समय, राइट? टाइम पीरियड इज 1000 माइनस 30 प्लस 30. शुरू हमने 712 से किया था. बीच के 300 साल कहाँ गए? बीच के 300 साल एंशंट का पार्ट है. चोला, राष्ट्रकूट,
राइट, ये सब जो किंग्स आए ये सब उनके पार्ट हैं, परमार डायनेस्टी उठती है, ये सब सब एंशिएंट में, एंशिएंट का पार्ट है। मुस्लिम इन्वेजन पढ़ा करना रहता है इसलिए सिर्फ एक इवेंट को ले लेते हैं 712 AD वाले को। चलो हम थे अलबिरूनी, किताबुल हिंद, तहकीके हिंद, दो इन्होंने लिखी थी। अलबिरूनी के बारे में अगेन कुछ पॉइंटर्स जो याद रखने वाले हैं, ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम टू स्टडी पुरान्स, ठीक है। फिर इन्होंने बहुत चीजें इंडिया में आके पढ़ी, लॉजिक पढ़ा, ज्योग्राफी, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, थियोलॉजी, रिलीजन, हर चीज का उनको नॉलेज था। संस्कृत पढ़ा उन्होंने, उन्होंने लिटरेरी वर्क्स पढ़े ऑफ ब्रह्मगुप्त, इंडिया के जो फेमस पर्सनालिटीज रही हैं एंशंट में उनको भी पढ़ना चाहिए, उसका भी एक सेक्शन है नितिन सिंघानिया में जिसमें इंडिया के मैथमेटिशियंस आते हैं। एक क्वेश्चन आया भी हुआ है, लीलावती किसने लिखा है, PYQ है लीलावती, राइट, भास्कराचार्य का है वो, लीलावती उनकी बेटी का नाम था, वराहमिहिर, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, चरक, करेक्ट सुश्रुत, सर, पतंजलि, पणिनि, इन सबके बारे में थोड़ा थोड़ा दिया रहता है, पढ़ लेना चाहिए। तो ब्रह्मगुप्त, बालभद्र, वराहमिहिर, इन सबके बारे में अलबिरूनी ने पढ़ा। अगेन अगला इंपॉर्टेंट पार्ट जो गजनवी के बारे में हमें पढ़ना इंपॉर्टेंट है, उसने सिल्वर कॉइन्स इंट्रोड्यूस कराए थे, याद रखना, सिल्वर सिल्वर कॉइन्स। और उसमें एक तरफ में संस्कृत में कुछ लिखा था और दूसरे साइड में अरेबिक में कुछ लिखा था, अरेबिक में लिखा था, संस्कृत में लिखा था। संस्कृत में जो लिखा था वो देवनागरी स्क्रिप्ट में था। अब ब्राह्मी स्क्रिप्ट धीरे धीरे खत्म हो चुकी है, एंशियंट में जब हम कुछ भी पढ़ते हैं तो प्राकृत लैंग्वेज ब्राह्मी स्क्रिप्ट, या अर्धमग्धी ब्राह्मी, पाली ब्राह्मी, स्क्रिप्ट ब्राह्मी रहती है। यहां हमने देखा देवनागरी स्क्रिप्ट और यहाँ पे यस सर, क्लियर गजनवी खत्म हो जाता है। इज दिस क्लियर, सर, याद हुआ, दिमाग में बैठा? हाँ सर, अदर्स एज वेल यू कैन गिव योर इनपुट, वी आर गोइंग स्लो ताकि आपको याद हो जाए, और शुरू किया है बस इसीलिए। चलो वापस एक बार देखते हैं, उबैदुल्ला आया, बुदैल आया, मोहम्मद बिन कासिम आया, ये दोनों नहीं जीत पाए, मोहम्मद बिन कासिम जीत गया 712 AD। सिंध पे हमला किया था, राजा था दाहिर, बुक का नाम हमने पढ़ा है चचनामा, लैंग्वेज थी उसकी पर्शियन। फिर हम सीधा आगे गजनवीड एम्पायर पे, उसको फाउंडर है अलप्तजीन, उसको नाम ऑल्सो बुलाते हैं यमनी डायनेस्टी। सबसे पहले उसने हमला किया चंडेलास पे, विद्याधर ने हरा दिया, फिर वो हमला किया भीमदेव, हार गए, सोमनाथ प्लंडर हो गया, लूटा गया। इसके बाद हम आ जाएंगे बगदाद के कैलिफेट ने गजनवी को यमनुद्दौला और अमीनुल मिल्लाह कहा। अब हम उसके कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, उतबी जो कि उसका कोर्ट हिस्टोरियन था, उसने दो बुक्स लिखी हैं, किताबुल यमनी और तारीखी यमनी। अलबिरूनी, बगाकी, उसके कुछ कोर्ट के लोग थे, नाम दे देगा कि उतबी, अलबिरूनी, बगाकी किसके कोर्ट में शामिल थे, या अलबिरूनी को बोल देगा कि मोहम्मद गौरी के कोर्ट में थे, नहीं, ही वॉज इन गजनी, गजनवी। इसके बाद हमने शाहनामा पढ़ा जो फिरदौसी ने लिखा है, फिरदौसी अगेन बोल देगा कि खिलजी के कोर्ट में था, नहीं, फिरदौसी फिरदौसी गजनवी के कोर्ट में था, कोर्ट पोएट था वो मोहम्मद गजनवी के कोर्ट का। फिर इसी के बारे में देखते हैं, अलबिरूनी ने दो बुक्स लिखी, किताबुल हिंद और तहकीके हिंद। अब उसका समझ लो कि इंडिया या इंडिक नॉलेज के प्रति उसका बहुत ज्यादा झुकाव था, तो अब अगर बुक पेपर में कोई भी चीज अलबिरूनी के बारे में आती है विच इज कि वो उसका थोड़ा टिल्ट है इंडियन माइथोलॉजी या इंडियन फिजिक्स मैथमेटिक्स के तरफ, तो उसको आप बस हाँ कर दो, आप टिक कर सकते हो कि यस ये सही होगा, क्योंकि हमने देखा उसने पुराण पढ़ा, उसने संस्कृत पढ़ा, उसने ब्रह्मगुप्त वराहमिहिर की बुक्स पढ़ी। इसके बाद हम आ जाते हैं, मोहम्मद गजनवी ने सिल्वर कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए, संस्कृत में लिखा था उसके ऊपर और अरेबिक में लिखा था, एक तरफ संस्कृत में, एक तरफ अरेबिक में। संस्कृत में जो लिखा था वो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा था। इज इट क्लियर? यस सर, चलो फिर लेट मी पुट अप सम क्वेश्चंस, यू गाइस कैन क्विकली आंसर देम।
चलो आंसर इट। चलो नेक्स्ट वाला मल्टीपल ऑप्शंस है, सो यू कैन चूज मोर देन वन। नेक्स्ट वन मल्टीपल ऑप्शंस है, सो यू कैन चूज मोर देन वन अगर ज्यादा आंसर आपको लगता है तो। ओके सो विल कंटिन्यू नाउ। यू कैन कुछ और क्वेश्चंस है उसको आप मुंह से ही जवाब दे दीजिए। भीमदेव वन इज अ कंटेम्प्ररी ऑफ मोहम्मद गौरी, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। भीमदेव वन इज अ परमार किंग, ट्रू और फॉल्स? चालुक्य और सोलंकी। चालुक्य और सोलंकी। गुड, चलो तो अब गजनी सर वाला अमीर पार्ट। खुसरो जो था आई थिंक अलाउद्दीन खिलजी के टाइम यस पे था ना। यस 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 आगे आएगा। चलो अब हम चलते हैं, गजनवी हो गया। आई थिंक इतना पार्ट क्लियर हो गया, इतना आपको पढ़ना जरूरी है। इसके बाहर वो कुछ पूछ लेता है तो इस नॉलेज पे हो जाना चाहिए। इसके बाहर अगर वो और कुछ सर भी पूछता है राजा तो आप एलिमिनेट कर भारमल दो। जो थे वो किस टाइम पे अकबर, थे? अकबर। अकबर ओके सर। भारमल वाज। सर वॉज ही वन ऑफ द नवरत्न राजा नो भारमल? नो 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 ओके सर। अब हम चलते हैं गौरी की तरफ। आई होप दिस वॉज यस क्लियर। सर। जिसने शायद अब तो जिसने नहीं यस भी सर। पढ़ा होगा उसको भी क्लियर हो गया होगा। पहले अगर किसी ने नहीं पढ़ा मेडिवल उसको भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। सेंट्रल एशिया का रूलर था शियाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। 1178 में उसने गुजरात को इन्वेड किया। ये साल अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना पता कर लो कि उसने इन्वेड किया। पहले उसने गुजरात को इन्वेड किया। मूल राज टू या भीमा टू के साथ उसका युद्ध हुआ, जिस टाइम पे नायिका देवी जो कि भीमा टू की मदर थी उनके लीडरशिप में इन लोगों ने लड़ाई लड़ी और गौरी हार गया। तो मूलराज टू या भीमा टू अंडर द लीडरशिप ऑफ नायिका देवी 1178 में। साल इंपॉर्टेंट नहीं है, अगेन बता दूं बस इतना याद रखो कि तरैन युद्ध के पहले है। मोहम्मद गौरी हार गया। पहले बात है गुजरात, गुजरात में वो लड़ता है भीमा टू या मूलराज टू से। उसकी विडोड मदर नायिका देवी थी। अब आप लोगों को मेंस वगैरह में कोई क्वेश्चन लिखना होगा रिगार्डिंग दी स्टेटस ऑफ वुमेन तो उसमें बड़ा अच्छा एग्जाम्पल बन जाता है जिसमें आप डाल सकते हैं रिगार्डिंग दी की मेडिवल टाइम्स या एंशिएंट टाइम्स में भी वुमेन को लीडरशिप रोल्स मिलते थे या वो लेती थी एज पर दी रिक्वायरमेंट। और फिर नायिका देवी ने मोहम्मद गौरी से लड़ा भी था और हराया भी था। ये एक बात हो गई। सेकेंड जो युद्ध उन्होंने लड़ा 1191 में, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। साल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
1191 में इलेवन पहला, नाइनटी 1192 में दूसरा। पहला वन दूसरा बैटल ऑफ तराइन इज 1191, 1192 में सेकेंड बैटल ऑफ तराइन होता है, और इसमें पृथ्वीराज चौहान को वो हरा देते हैं, राइट। पृथ्वीराज चौहान को वो हरा देते हैं इन दी सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 1192, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 1192, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191। दिमाग में वो पेज बनाओ और उस पे लिखो 1191, दिमाग में बनना चाहिए 1178, उसके नीचे 1191, उसके नीचे 1192, ऐसा पेज पे लिखते आना चाहिए दिमाग में। क्रोनोलॉजी यस दिमाग में बनाओ, 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 1192 में, ठीक है। यस सर इसके बाद नेक्स्ट वो 1194 में एक होती है जयचंद के साथ, जयचंद के साथ युद्ध होता है चंदावर बैटल ऑफ चंदावर, बैटल ऑफ चंदावर, चंदावर गढ़वाल किंग, गढ़वाल किंग, ठीक है। यस सर तो गौरी आता है, गौरी लड़ता है 1178 में किससे, मूलराज टू या भीमा टू से, अंडर द लीडरशिप ऑफ नायका देवी, हार जाता है, सब गुजरात में होता है। उसके बाद शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी 1191 में वापस आता है, बैटल ऑफ तराइन करता है, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हार जाता है, सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1192 पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं गौरी से। और उसके बाद वो मतलब दिल्ली वाला पार्ट जो है, नॉर्दर्न बेल्ट जो है वो ऊपर का वो जीत लेता है, और 1194 में वो जयचंद को भी हरा देता है, हु वाज अ गढ़वाल किंग इन द बैटल ऑफ चंदावर। किसके बैंक्स पे सिचुएटेड है चंदावर, यमुना बैंक्स पे, दिल्ली के आसपास का रीजन है, यमुना ही जनरली किया जाता है। इसने भी कुछ कॉइन्स इशू किए, इसने भी कॉइन्स इशू किए, एक तरफ थी गॉडेस लक्ष्मी और दूसरे साइड लिखा था कलमा। दो दो जनों ने दो कॉइन्स इशू किए हैं, बाकी जाके कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है। उसने केवल संस्कृत के लेटर, संस्कृत में कुछ वर्ड्स लिखा था, इसने गॉडेस लक्ष्मी का फोटो बना दिया, और एक तरफ कलमा लिखा अरेबिक में, उसने भी दूसरी तरफ अरेबिक में कुछ लिखा था। मोहम्मद गौरी ने इक्ता सिस्टम लेके आया, क्या होता है रेवेन्यू सेटलमेंट का इकता तरीका सिस्टम, होता है, रेवेन्यू पूछ लेगा इक्तु सिस्टम। क्या होता है, इट इज सम रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम, बस उससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। कुतुबुद्दीन ऐबक को इसने अपॉइंट किया फॉर एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, क्योंकि वो नेटिव इंडिया का था नहीं, वो इंडिया पे राज करना चाहता नहीं था, मतलब यहाँ पे रुक के वो वापस अपने देश चला गया सेंट्रल एशिया में, और उसने यहाँ पे एक आदमी को रख दिया, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक उसके वो उसका अंडर काम स्लेव था करता था, यस वो स्लेव था, स्लेव डायनेस्टी यहीं से शुरुआत होती है। मामलुक 1192 में ये सब शुरू हुआ, क्योंकि 1192 में उन्होंने जीता, और फिर ये यहाँ बारह पे सौ पीछे छह थोड़ा में सा उसकी डेथ हिस्ट्री है। होती है, 1206 में डेथ होती है गौरी की, और उसके 3 महीने बाद आई गेस ये बन जाता है। यस गौरी का बेटा जो होता है या उसका जो सक्सेसर होता है वो इसको इंडिपेंडेंट कर देता है कि यू कैन नाउ रूल इंडिपेंडेंटली 1206 में, 1206 से। तो अब हमको अगर वो ईयर पूछेगा कि स्लेव डायनेस्टी कब से शुरू हुई, दैट इज 1206 एंड नॉट 1192, क्योंकि अब तक वो अंडर में ही काम कर रहा है। 1206 से वो इंडिपेंडेंट होकर काम करना शुरू करेंगे, और 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की भी डेथ हो जाती है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हमने देखा, 1192 में ये साथ में ही था। अगेन मैं इसके ऊपर बोलूंगा, ये पूरा इवेंट आपको देखने मिल सकता है यूट्यूब पे, एक पूरी सीरीज है, 1980s का एक सीरियल है जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, विच इज नेहरू की किताब पे बेस्ड है। उसमें आपको पूरा एंशियंट से लेकर के मॉडर्न हिस्ट्री पूरी मिल जाएगी, वैदिक टाइम से लेकर के शुरू करके इंडिपेंडेंस तक सब कुछ है उसमें। आप सिलेक्टिवली भी उसको देख सकते हैं कि आपको ये वाला पार्ट देखना है तो आप ये वाला पार्ट देख लीजिए। इसमें आप देखेंगे कि युद्ध हो रहा है, आप देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक को साथ में गौरी के, और ये पूरा पूरा चीज आपको देखने मिलेगा। सो अगर आपको, अब तो चलो 2 ही महीना बचा है तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं डाल सकते, बट अगेन जब आप खाना खा रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, कुछ मन नहीं कर रहा है, यूट्यूब पे कुछ देखने का मन कर रहा है, वॉच डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पूरा हिस्ट्री है उसमें अपलोडेड, जो बुक में हम एनसीईआरटी में पढ़ रहे हैं वही दिया है उसमें, ठीक है। चलो प्लेलिस्ट मैंने बहुत सारे मूवीज की शेयर की थी ग्रुप में, मैं वो भी डाल दूंगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी डाल दूंगा। तो 1206 एडी में ये इंडिपेंडेंट होके थोड़ा राज करना शुरू करते हैं, कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी, जिसमें मेन नाम आप बख्तियार खलजी याद रखिए। ओके सो 1193 से 1202 के बीच में ये एक्टिव था, और इसने 1198 और 1203 के बीच में बंगाल की तरफ इसने कूच किया, और सेना, पाला सेना, याद हो अगर किसी ने एंशिएंट अच्छे से पढ़ा है तो उसमें लास्ट में आते हैं बंगाल की तरफ पाला सेना। तो उसमें लक्ष्मण सेन थे जो राजा थे उस समय, इनके बारे में और एक बात बता दूं, है वैसे है एंशिएंट का पार्ट, बस बता दूं कि इन्होंने अपना कैलेंडर शुरू किया था लक्ष्मण सेना ने, जैसे हम देखते हैं कि
शक संवत है, विक्रम संवत है, वैसे इन्होंने लक्ष्मण संवत की शुरुआत की थी। या नहीं दिया क्योंकि मेन पार्ट है एंशेंट का है, बट अगेन एक बात बता दूं, लक्ष्मण संवत की इन्होंने शुरुआत की। तो लक्ष्मण सेन इनसे युद्ध नहीं किए, बख्तियार खलजी से युद्ध नहीं किया। बख्तियार खलजी कौन है इसमें? बख्तियार खलजी भी स्लेव थे, मोहम्मद घोरी का स्लेव था बख्तियार खलजी। वो भी आया, कब्जा किया बंगाल पे, लक्ष्मण सेना जो है वो बिना लड़ाई लड़े भाग गया, और फिर बख्तियार खलजी ने कब्जा कर लिया बंगाल पे और अपना कैपिटल बनाया लखनौती को। क्वेश्चन आ सकता है किसने प्लंडर किया? बख्तियार खलजी ने किया। उस टाइम पे कंटेम्प्रेरी रूलर कौन था? तो लक्ष्मण सेना का नाम ना पूछ के बोल देगा कि पाला कोई रूलर था उस समय पे बंगाल का, तो पाला नहीं था, सेना था। ऐसे क्वेश्चन वो बना सकता है कि वेन बख्तियार खलजी प्लंडर नालंदा, द कंटेम्प्रेरी रूलर ऑफ बंगाल वॉज सम महिपाल, धर्मपाल, गोपाल और एनी पाला किंगडम, बोल देगा पाला किंगडम के राजा। तो नो, सेना थे। लखनौती को कैपिटल बनाया और यहाँ पे खत्म, पहला पार्ट ये खत्म। अब हम चलेंगे अगले पार्ट की तरफ। गजनी और गौरी हमने देख लिया, अब हम चलेंगे अगले पार्ट की तरफ। इसके बाद स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत होगी। यस, अब दिमाग में इसको बनाते चलिए, हाथ में पेन पेपर है तो उसको लिखते चलिए। केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, या अभी सुन लीजिए बाद में लिख लेना, बट ध्यान में रखो, सालों को ध्यान में रखो, जो इंपॉर्टेंट ईयर्स आए हैं उनको ध्यान में रखो। अब तक हमने जो भी इंपॉर्टेंट ईयर्स देखे हैं, एक था 712, फिर हमने देखा सर लक्ष्मण सेना भी ये पाला रूलर ही था ना, सेना रूलर था, अभी बताया ना पाला सेना। yes, पाला एंड सेना आर डिफरेंट, पाला के बाद सेना है, he was a सेना रूलर। अगर क्वेश्चन आ गया कि he was a पाला किंग, नो he was not a पाला किंग, he was a सेना किंग, और क्वेश्चन वो ट्विस्ट करने के लिए ऐसे ही डालेगा कि पाला सेना एक ही साथ बोलते हैं, तो बोलेगा पाला किंग, वो जो सेना किंग, लक्ष्मण सेना है वो सेना किंग, उसने लक्ष्मण संवत की शुरुआत की थी। तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है 1206 से। बख्तियार खिलजी का क्या, इट वाज सेपरेट फ्रॉम द अबव रैंक, प्लीज पार्डन, आई मीन ये जो बख्तियार खिलजी वी रेड, वी वर so it is another plunderer, right? Yes, he is another plunderer. Okay, so he plundered what region, like Bengal region? Bengal and Bihar region. Okay, Nalanda ko destroy kiya, Nalanda is in Bihar. Bengal region. Okay, who was he? He was another slave of Muhammad Ghori, like Qutubuddin Aibak. 1206 ka time aa gaya hai, shuru kaha se kiya tha? 1191 se. 1191 mein अटैक होता है, हार जाते हैं, फर्स्ट बैटल ऑफ तरैन, सेकंड बैटल ऑफ तरैन 1192, 1206 में इंडिपेंडेंटली कुतुबुद्दीन ऐबक रूल करने लग जाता है, इसलिए दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी 1206 से। इसी के साथ मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं, हमने मॉडर्न में भी पढ़ा हुआ है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कौन सी डेट को शुरू होता है? 6 अप्रैल। दांडी मार्च शुरू हुआ था 12th मार्च को, बट 12th मार्च को सिविल डिसोबीडियंस नहीं शुरू हुआ था, सिविल डिसोबीडियंस हुआ 6 अप्रैल को जब उन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया। चलो, तो 1206 दिल्ली सल्तनत शुरू होता है और ये पहली सल्तनत जो है वो 1290 तक चलती है। कई सल्तनत हैं इसके अंदर, स्लेव है, सैयद है, खलजी है, तुगलक है, लोधी है, सबसे लास्ट इसमें लोधी है। तो स्लेव डायनेस्टी का सब फाउंडर था कुतुबुद्दीन ऐबक, टर्क्स थे ये सारे, ये भी याद रखो इनकी एथनिसिटी थी टर्क, ममलुक सुल्तान भी कहते हैं क्योंकि ममलुक रीजन से आते थे। अब हम शुरू करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक से, 1206 से। अब दिमाग में टाइमलाइन बनाते जाओ, एक तरफ 1191 लिखा था दिमाग में, अब 1192 उसके बाद लाओ, 1192 के बाद अब लेके आओ 1206, अब 1206 के बाद दिमाग में लेके आओ नेक्स्ट 4 इयर्स 1210, 4 साल कुतुबुद्दीन ऐबक राज करेगा। नॉर्दर्न रीजन ऑफ इंडिया की बात चल रही है, अभी भी इन लोगों ने साउथ में एक्सपांड नहीं किया है, नर्मदा के नीचे भी नहीं पहुंचे, ठीक है, सिर्फ नॉर्थ नॉर्थ रीजन की बात चल रही है। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210, टर्क ट्राइब, ऐबक ट्राइब, कहां से उसकी पुरानी स्टोरी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है कि कहां से उसको कौन लेके आया था। ही वॉज अ कुरान ख्वा, कुरान ख्वा यानी द वन हु रिसाइट्स कुरान। क्वेश्चन पूछ लिया इसमें से कुरान ख्वा कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। तीन और ऑप्शन दे देगा, खिलजी, सैयद और तुगलक, कौन था इसमें से कुरान ख्वा कौन था, या कुरान ख्वा क्या होता है? तो द वन हु रिसाइट्स कुरान इज कुरान ख्वा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक हम पढ़ रहे हैं और वो एक कुरान ख्वा था, ही वॉज अ टर्क, 1206 से 1210 तक उसने
रूल किया है। आगे चलते हैं, गौरी ने उसको अमीर अखूर पोजीशन पे किया, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट इतना नहीं है क्योंकि वो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड नहीं है, वो गौरी ने अपने रीजन में किया था। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम केवल पढ़ेंगे। ये देखिए, दिल्ली नहीं है कैपिटल, लाहौर है। दिल्ली इज नॉट द कैपिटल, इट इज लाहौर, राइट? यस सर। ऐबक ने कभी खुद को सुल्तान नहीं कहा, ही केप्ट हिमसेल्फ सर्टिफाइड ओनली विद द टाइटल्स ऑफ मलिक एंड सिपासालार बिकॉज ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ एज अ स्लेव इवन आफ्टर ही वॉज रिलीव फ्रॉम हिज ड्यूटीज बाय गौरी, राइट? गौरी का सक्सेसर था गियासुद्दीन मोहम्मद, उसने ही रिड हिम ऑफ स्लेवरी इन 1208, बट स्टिल वो अभी भी खुद को वही समझता था, ही वॉज वेरी हम्बल आप कह सकते हैं। चलिए, ये इंपॉर्टेंट नाम आ गया यहाँ पे, लाख बख्श कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहते थे बिकॉज ही यूज्ड टू डोनेट इन लैक्स। सब पोटेंशियल क्वेश्चंस हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। लाख बख्श कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। पहला सल्तनत का सुल्तान कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कैपिटल क्या था उसका? लाहौर। वो कुरान ख्वाह भी था, ये तो हर किताब में मिल जाती है, वो चीजें भी पढ़ लें। कुवतुल इस्लाम एंड ढाई दिन का झोपड़ा, दोनों मस्जिदें हैं। कुवतुल इस्लाम मॉस्क जो है वो दिल्ली में है, ढाई दिन का झोपड़ा जो है या अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है वो अजमेर में है, दोनों दिल्ली में नहीं है। कुवतुल इस्लाम दिल्ली, ढाई दिन का झोपड़ा अजमेर, उसमें ही है सर ये ना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया कॉम्प्लेक्स। यस, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के अंदर कुवतुल इस्लाम मॉस्क है, ये ढाई दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है। इसी ने कुतुब मीनार के कंस्ट्रक्शन को भी शुरू किया था, पूरा नहीं कर पाया था, इसके बाद आगे इल्तमिश ने भी करवाया, थोड़ा सा फिरोज शाह तुगलक ने भी करवाया। तो हम देख रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, कुतुबुद्दीन ऐबक, वी आर गोइंग वेरी स्लो ताकि आपको अच्छे से रट्टा हो जाए। यही याद कर लो, साल याद कर लो, 1206 1290। कुतुबुद्दीन ऐबक, ममलूक सुल्तान भी कहते थे इसको, ये सारे टर्क्स थे, 1206 से 1210 तक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक वाज अ कुरान ख्वाह, कुरान ख्वाह मतलब कुरान को पढ़ने वाला, कुरान ख्वाह मतलब कुरान को रिसाइट करने वाला। इसका दूसरा नाम था लाख बख्श, इसे लाख बख्श भी कहते थे, पूछ लेगा लाख बख्श वॉज अल्तमश को लाख बख्श भी कहते थे, नो दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। लाख बख्श कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक, क्यों? क्योंकि वो लाखों में डोनेट करता था। अढ़ाई दिन का झोपड़ा और कुवतुल इस्लाम मॉस्क किसने बनाया है? इट इज इन कुवतुल इस्लाम मॉस्क इज इन दिल्ली, ढाई दिन का झोपड़ा इज इन अजमेर। ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार बट लेटर इट वाज कंप्लीटेड बाय अल्तमश। चार महले जो फोर्थ स्टोरी जो था, फोर्थ फ्लोर, वो डैमेज हो गया था लाइटनिंग की वजह से, तो फिरोज शाह तुगलक ने उसको वापस से बनवाया, दो फ्लोर बनवाया उसने। तो अब क्वेश्चन ऐसा आता है कि इसमें से कौन, हु अमंग द फॉलोइंग पीपल आर इन्वॉल्व्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक? एक है इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, तो एक है कुतुबुद्दीन ऐबक, एक है और इल्तुतमिश, अल्तमश, एक है फिरोज शाह तुगलक, तीन जन। चौथा नाम जो भी दिया होगा उसको स्ट्राइक आउट कर देना। 1206 से गाड़ी जो चली थी वो 1210 में आ गई है, चौगान खेलते हुए ये मर गया। पोलो जैसा एक गेम है, इसका बहुत ही पसंदीदा फेवरेट गेम था, वो खेलते खेलते ये मर गया। ऐसे ही हुमायूं भी मरा था बुक पढ़ते, आई मीन लाइब्रेरी में, क्योंकि उसे बुक पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, ये सब अपने फेवरेट काम करते हुए मरे हैं। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक डाइज, अल्तमश ऐबक वॉज सक्सीडेड बाय इल्तमश और अल्तमश, हाउ आर यू प्रोनाउंस इट, ऐबक वॉज सक्सीडेड बाय अल्तमश। ही रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम द सुल्तान, नॉट फ्रॉम एनी घोरी रूलर बट फ्रॉम खलीफा। देखो अब तक ये लोग खुद को अंडर मानते थे गौरी के, राइट? बट अल्तमश ने बाईपास कर दिया और गौरी से की जगह सीधा खलीफा से अपना अप्रूवल लिया। खलीफा का सिस्टम आप लोगों ने देखा होगा, खलीफा यहाँ भी है, फिर हम मॉडर्न हिस्ट्री में भी देखते हैं, लेकिन ये खलीफा जो है ये अभी बगदाद में है, यानी बगदाद में सेंटर ऑफ पावर है पूरी मुस्लिम वर्ल्ड का। वो धीरे धीरे चार रहे ना सर पूरे टोटल, यस यस, मक्का, बगदाद, then somewhere in Syria also there was, I think Damascus, Damascus, हाँ Damascus, और फिर finally ये निकलता है last में Turkey, Turks के पास होता है, Turkey में, Istanbul में, Istanbul, yes sir,
तो खलीफा से इसने अप्रूवल लिया था, ये चीज अपने इतने काम की है नहीं, लिख दिया है। खलीफा रिकग्नाइज अल्तमश एज द रिकग्नाइज हिज रूल टू ऑल द एरियाज विच ही वन एंड गेव हिम द टाइटल ऑफ सुल्तान आजम। सुल्तान आजम कौन था? अब ये वाली चीज याद रहती तो अच्छी बात है, नहीं रहती तो कोई बात नहीं, इल्तुतमिश, बट लाख वक्स तो याद होना सुल्तान चाहिए, आजम, लाख वक्स तो पक्का रट्टा यस होना सर, चाहिए। सुल्तान आजम मन कर रहा है, अंदर से लग रहा है नहीं, और पढ़ सुल्तान लेना चाहिए तो आजम, कर लो। इल्तमश को फेमसली स्लेव ऑफ स्लेव भी कहते हैं क्योंकि ये ऐबक का स्लेव था, ऐबक खुद यस स्लेव था और यस ये सर। ऐबक का स्लेव था, तो इज स्लेव ऑफ स्लेव, सर ये बारी और टाइप का था। घयाशुद्दीन बलबन दोनों साथ में यस यस साथ में रहते थे, साथ ऐबक में के स्लेव थे। ही। यस इलबारी ट्राइब का था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्राइब तक तो नहीं जाएगा वो, सो करना तो करना, तो रहने दो, रहने ही दो। ये बुदाउन का गवर्नर भी था उसके पहले, याद करना है तो कर लो वरना इतनी जरूरत नहीं। ये सब सेकंड या थर्ड रीड में जब अच्छे से रट्टा मारने रहोगे तब एक और नजर देख लो कि चलो ये भी रट लेता हूँ। बुदाउन का गवर्नर था, ही वॉज मोहम्मद गौरी ड्यूरिंग द कैंपेन्स इन खोखर ट्राइब, ठीक है। ये अपने इतने काम के नहीं, ये देखो ये तो भाई 2 साल के दो PYQ बैठे हैं यहाँ पे। पहला PYQ ये रहा, मंगोल इन्वेडर गंगेज खान केम टू द चेंगेज नॉर्थ खान, वेस्ट फ्रंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ अल्तमश। PYQ है 2022, इल्तुतमिश, 2022 का PYQ है। गंगेज खान आया था कब? अल्तमश के टाइम पे आया था। क्या स्टोरी थी? एग्जैक्ट PYQ है ये, यही पूछा गया था कि वो चेस करते हुए आया था एक गवर्नर को, उसके रूलर ऑफ द ख्वारिज्म, रूलर ऑफ द ख्वारिज्म गंगेज खान का गवर्नर था जलालुद्दीन मिंगबुरनी। उसमें पेपर, क्वेश्चन पेपर में नाम नहीं दिया था, बस बोल देता कि किसी को चेज करते हुए आया था। गंगेज खान इंडस के बैंक्स तक आ गया था बट जलालुद्दीन मिंगबुरनी सॉट रिफ्यूज फ्रॉम अल्तमश, बट अल्तमश डिनाइड, उसे नहीं डायर किया क्योंकि देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ इन्वेजन बाय गंगेज खान इफ अल्तमश अलाउड जलालुद्दीन मिंगबुरनी टू स्टे इन इंडिया और गिव हिम पॉलिटिकल असाइलम। एग्जैक्ट PYQ और 2 साल लगातार आया, 22 23, तो उन्होंने मना कर दिया, ख्वारिज्म के रूलर को उन्होंने असाइलम नहीं दिया। और मंगोल इन्वेजन ट्रबल आल्सो वेंट बैक विद प्रिंस मिंगबुरनी इन 1224। PYQ है ये सीधा, 2 साल लगातार, 22 23, ठीक है। तो किसके टाइम पे आया था? अल्तमश के टाइम पे आया था, उसमें शायद बोला था कि तुगलक अल्तमिश के टाइम पे या किसी और के टाइम पे आया था, पेपर में जो दिया था वो सेंटेंस। सर, दो आए ना सर अभी तक, मतलब अपने उसमें जो मंगोल हैं मेनली टू, अमीर तैमूर एंड दिस वन, यस चंगेज टैम खान हिमसेल्फ। यस यस चंगेज खान हिमसेल्फ तैमूर वाज इन द टाइम ऑफ फिरोज शाह तुगलक, 1398, 1398, यस वेरी सर। याद, साल याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1498 तो सभी को याद रहता है, वास्को डी गामा इंडिया आया था, यस जस्ट सर, उसके 100 साल पहले तैमूर, थर्टीन तैमूर आया नाइनटी एट था, थर्टीन अमीर नाइनटी एट तैमूर। तैमूर तैमूर लंग भी कहते हैं उसे बिकॉज लंगड़ा था। यस सर, सो ये पूरा पार्ट PYQ है लगातार 2 साल का, एकदम रिसेंट 22 23। अल्तमश के टाइम पे आया था, कहाँ? ख्वारिज्म के रूलर को चेज करते हुए आया था, उसका नाम क्या था? जलालुद्दीन मिंगबुरनी। वो असाइलम चाहता था, उसको असाइलम नहीं दिया और हम बच गए इन्वेजन से। सर इसमें कितनी डेप्थ तक जाए, मतलब इसका नाम भी याद रखें, जलालुद्दीन मिकबुरनी। सेकेंड या थर्ड, सेकेंड या थर्ड, जब फोर्थ रीड जब कर रहे होगे, जब ये पूरा पार्ट यू स्टडी इन लेयर्स राइट, पहले इंपॉर्टेंट चीजें आपने रट्टा मार ली, अब जब सेकेंड थर्ड रिवीजन कर रहे हो उस टाइम पे ये भी देख लो कि चलो ठीक है, मैंने ये तो पढ़ा कि कोई तो आया था, कौन था? जलालुद्दीन मिंगबुरनी था। ओके सर, ऐसे पढ़ने से क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीजें कम से कम नहीं छोड़ती। अगर आप पहले दिन से ये बैठे हैं सोच के कि मैं तो एक एक लाइन रटूंगा पहले ही बार में, तो क्या होता है, आप लास्ट तक पहुंच नहीं पाएंगे क्योंकि दिस प्रोसेस रिक्वायर्स टाइम एंड एफर्ट्स। तो कभी भी पढ़ें तो लेयर्स में पढ़ना चाहिए, पहले मैं इंपॉर्टेंट चीजें रट लेता हूँ, या जितनी ये रट रट के हो रही है, टाइम लाइन, राजा का नाम, क्या हुआ, मेन इवेंट्स रट लेता हूँ, इतना अच्छे से कर लेता हूँ, उसके बाद सेकेंड लेयर ऐड करूंगा कि और अंदर की इवेंट्स पढ़ूंगा। वो होता है तो ठीक है, नहीं होता तो कोई बात नहीं, बट मेरा पूरा खत्म तो हो गया अच्छे से रट के, सेकेंड लेयर नहीं हुई, थर्ड लेयर हुई तो कोई बात नहीं, एफर्ट्स डालो अगर होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। सो आप इतना अंदर यस घुसना तभी जब पूरा हो गया हो, अच्छे से पढ़ गया, आपको लगता है मेरा मेडिवल अच्छे से पूरा टॉप टू बॉटम हो गया है, अब मैं थोड़ा अंदर घुस सकता हूँ। चलो हम लोग ने कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू किया, ऐबक खत्म हो गए, अब हम आ रहे हैं अल्तमश पे। इसने कुछ एक लड़ाई लड़ी हिस्सामुद्दीन आवाज को, राजमहल एरिया, कहाँ है ये, कहाँ है ये पहाड़, राजमहल कहाँ है, कहाँ है राजमहल के पहाड़, झारखंड। झारखंड,
मालदा गया आपके राज यस लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड पे। ग्रेट, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अपने लिए, इतना अंदर घुसना। अल्तमश वॉज द फर्स्ट टू यूज प्योर अरेबिक कॉइन्स, ये चलो बढ़िया चीज आ गई, कॉइन्स पूछ ही रहा है दबा के। प्योर अरेबिक कॉइन्स इसने यूज किया ड्यूरिंग दी सुल्तान। क्यों प्योर अरेबिक? इसके पिछले वाले एक ने लक्ष्मी माता की फोटो डाल दी थी और उसके पिछले वाले एक ने संस्कृत के कुछ वर्ड्स डाल दिए थे। प्योर अरेबिक नहीं था अब तक, एक तरफ अरेबिक होता था एक तरफ कुछ इंडिक होता था। इसने प्योर अरेबिक लॉन्च किए, दो इंपॉर्टेंट कॉइन्स लॉन्च किए, पूछा जा चुका है, PYQ है, जीतल टंका, टंका जीतल, जीतल इज कॉपर, टंका इज सिल्वर, पूछा जा चुका है, PYQ है, जीतल इज टंका, जीतल इज कॉपर, टंका इज सिल्वर, जीतल टंका। राइट, यस सर। इसके बाद हम चलते हैं नीचे। इन्होंने एक प्रोसेस चालू किया, दे स्टार्टेड द ट्रेडिशन ऑफ इंस्क्राइबिंग द नेम ऑफ टक्षाल ऑन कॉइन्स। नेम ऑफ टक्षाल मतलब वो कॉइन कहाँ बना है इसका नाम लिखना शुरू किया, इंस्क्राइबिंग द नेम ऑफ टक्षाल, बनारस में बना है तो बनारस का नाम लिख दो उस पे। टक्षाल मीन्स द प्लेस वेयर टका इज मेड और द कॉइन्स आर मेड, टक्षाल, आज भी इसे टक्षाल घर ही कहते हैं हिंदी में। ये प्रोसेस किसने शुरू की थी? अल्तमश ने। प्योर अरेबिक कॉइन्स कौन लेके आया? अल्तमश। सुल्तान आजम कौन? अल्तमश। स्लेव ऑफ स्लेव कौन? अल्तमश। लाख बख्श कौन? कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलत करके एक सर्टिफिकेट मिला था इसको खलीफा से, जो हमने ऊपर देखा ना कि अल्तमश को प्योर सुल्तान डिक्लेयर कर दिया, गौरी से नहीं लिया इसने, सीधा खलीफा से ले लिया, सीधा मतलब टीचर की जगह जाके सीधा हेडमास्टर से इसने प्राइज ले लिया। तो उस सर्टिफिकेट का नाम था खिलत। खिलत किसको मिला था? अल्तमश। खिलत क्या है? सर्टिफिकेट है कि भाई तुम राजा हो इस एरिया के, मैं मानता हूं तुमको राजा इस एरिया का। जैसे आज भी इंडियन गवर्नमेंट है, जब yes, कोई देश बनता है, जैसे पहले अपना देश बना था उस टाइम पे और भी बहुत सारे देश बन रहे थे, तो हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि वी रिकॉग्नाइज योर कंट्री। अब जैसे पाकिस्तान है वो इसराइल को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता, इंडिया अभी भी कोसोवो को रिकॉग्नाइज नहीं करता, विच इज जो सर्बिया से अलग होकर बना, इंडिया कोसोवो को रिकॉग्नाइज, तो दिस इज रिकॉग्निशन कि हम आपको रिकॉग्नाइज करते हैं, आपकी टेरिटरी को, आपके किंगडम को हम रिकॉग्नाइज करते हैं। तो खिलत वो सर्टिफिकेट है जो खलीफा ने दिया कि भाई मैं तुम जो राजा हो यहाँ के, मैं मानता हूँ तुम राजा हो। ठीक है, इब्न बतूता जब इंडिया आया था उसके डिस्क्रिप्शन से पता चलता है, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया था, इब्न बतूता के डिस्क्रिप्शन से पता चलता है कि ही सेट अप टू स्टैचूज ऑफ मार्बल इन फ्रंट ऑफ हिज प्लेस व्हिच हैड टू बेल्स, इट वाज दो स्टैचू लगाए उसमें दो बेल था, हैंग्ड अराउंड इट्स नेक व्हिच एनीवन कुड रिंग एंड सीक जस्टिस फ्रॉम द सुल्तान। तो ये एक घंटी लगाई दो मूर्तियों के बीच में और उसको कोई बजा सकता था टू सीक जस्टिस, ऐसा किसने बोला है? इब्न बतूता ने बोला है अपनी बुक में। अल्तमश ने कुछ ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया, काजी और अमीरदाद इन ऑल दी सिटीज, रट लो अमीरदाद या नाम आया मतलब याद आना चाहिए, कोई तो ऑफिसर था इन दी अल्तमश पीरियड। बेल किसके टाइम पे लटकाया था? अल्तमश के टाइम पे। द ओनली मेडिवल क्वीन ऑफ द मुस्लिम रूलर्स, अमंग द मुस्लिम रूलर्स, रजिया सुल्तान। इंडिया में नहीं, इंडिया में और भी बहुत सारी रही है, रुद्रमा देवी रही है, हमने खुद नायिका देवी को देखा, राइट, तो इंडिया में रही है रजिया सुल्तान। ये 1236 से 1240 तक रहती हैं, 1236 से 1240 तक। सो अल्तमश ने अपना राज कब शुरू किया था, कब वो शुरू किया था? आई थिंक 1211 में किया था, 1210 में किया था, 10 में मर गया 10 में चालू कर दिया, 1210 में उसने शुरू किया, 1236 तक रहा, 1236 से 1240 ओनली 4 ईयर्स रजिया सुल्तान, 1236 1240 दिमाग में क्रोनोलॉजी टाइम बनाते चलो रटते चलो। फिर कुछ सूबेदार्स और टर्क जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने मिलके उनके खिलाफ
कॉन्स्पिरेसी रची और फिर रजिया सुल्तान को अपनी पोजीशन से हटा दिया और फिर किसी और को बना दिया। मलिक अल्तुनिया ने उनके खिलाफ रिबेल कर दिया, रजिया ने उसको हटा दिया था, मतलब आई मीन उसको ओवरथ्रो कर दिया था, बट मोटा मोटा ये था कि रजिया को ओवरथ्रो कर दिया अपनी पोजीशन से, फ्रॉम दी पोजीशन ऑफ सुल्तान। इसके बाद बीच में बहुत सारे राजा बनते बिगड़ते हैं, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। अब हम सीधा भाग के आ जाएंगे 1266। 26 ईयर्स गायब हैं इसमें, बट बीच में जो थे बनते यस रहते थे, आए गए या कुछ टाइम मिनिस्टर जी चला रहे हैं, यस ये हैं, यस ये हैं गयासुद्दीन बलबान, ये बनता है राजा। इसका दूसरा नाम भी रख लो, पेपर में पूछ लेता है हु इज लूक खान, क्योंकि अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था लूक। हैदराबाद की रियासत नॉर्थ अरकोट से निकली है कि नहीं निकली, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था, उसमें जो नाम था निजाम का वो पुराना नाम दिया हुआ था, तो दोनों नाम अब रखने इम्पोर्टेंट है। उलूग खान गयासुद्दीन बलबान या उलूग खान उसका नाम था, और उसने नाम बदल के कर लिया उलूग खान। ही इज निलवारी टर्क, अल्तमश वॉज निलवारी टर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट राजा है, बलबान ने बहुत सारे काम किए हैं, ठीक है। अब इसकी पुरानी कहानी जानने में हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसने क्या किया क्या नहीं किया, खासदार था, अमीर शिखर बना, हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अमीर अखुर बना, पैदोस अमीर अखुर वो भी बना था, हमें इसमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमें इंटरेस्ट है इसमें, बलवान सेट ऑन द दिल्ली थ्रोन इन 1266 AD। क्रोनोलॉजी ध्यान में रखना, 1236 से 1240 रजिया सुल्तान, उसके बाद सीधे 26 साल कूद के हम आ गए बलवान पे। बलवान सल्तनत ऑफ दिल्ली 1266 AD, इसने शुरू की ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी। सीधा सवाल पूछ लेगा ब्लड एंड आयरन सी, और साथ में नाम दे देगा मोहम्मद बिन तुगलक का, नहीं मोहम्मद बिन तुगलक नहीं है, बलबान है, ठीक है। लाख बख्श कौन है, कुतुबुद्दीन है बख्श, सुल्तान आजम कौन है, इल्तुतमिश। तो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी किसने लेके आया, बलबान। बलबान, बलबान का दूसरा नाम क्या है, लुक खान। उलूग खान, उलूग खान कब बैठा वो गद्दी पे, कब कब उसने दिल्ली सल्तनत संभाली, 66 1266, 1266, ठीक है ठीक है। सवालों पे ध्यान रखेंगे, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी बलबान लेके आया था, इसके दो मेन सर ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे, पॉलिसी किस बारे में थी सर, मतलब किस चीज से रिलेटेड है। बहुत ही ब्रूट फोर्स के साथ हम रूल करेंगे, हाँ मतलब जैसे हंसता नहीं था अपने कोर्ट में और ये एवरीथिंग यस लाइक दैट। यस, बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव रहेगा और बहुत ब्रूट फोर्स के साथ वो रूल करेगा इंडिया पे। दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इसके रूल के, पहला था, ये भी सीधा लाइन उठा के पूछता है, फर्स्ट डिवाइन राइट ऑफ सुल्तान, यानी सुल्तान जो है वो डिविनिटी से बना है, ठीक है। और सेकंड वॉज द सुल्तान हैज टू बी ऑटोक्रेटिक, ये पढ़ लो, डिवाइन राइट वाला तो सीधा पूछता है। डिवाइन राइट मतलब आई एम द इंकारनेशन ऑफ गॉड ऑन अर्थ, कौन है ये, किसने बोला, बलवान ने बोला। ऐसी दो चार किंग के और आएंगे जो खुद को कुछ ना कुछ बोलेंगे, तो डिफरेंशिएट करके याद रखो कि इसने बोला कि डिवाइन राइट है मेरे पास टू रूल दिस प्लेस, और सेकंड आई शुड बी ऑटोक्रेटिक, मैं अपनी मर्जी से डिसीजंस ले लूंगा, ठीक है। किसको देख के उसने ये सब आइडियोलॉजीज बनाई थी, पर्शिया के कुछ राजाओं को देख के, पर्शिया ने आज का ईरान। द किंग वॉज कंसिडर्ड गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव ऑन अर्थ, यही है डिवाइन राइट का प्रिंसिपल, इसको कहते हैं नियामते खुदाई। कौन था नियामते खुदाई, बलबान। बलपन सारी टर्म्स याद कर लो, रट्टा मारो, खुदाई गॉड रिप्रेजेंटेटिव कनेक्ट कर लोगे। नियामते खुदाई कौन है, बलबान। डिवाइन राइट किसके पास है, बलबान के पास। गॉड का रिप्रेजेंटेटिव कौन बोला, बलबान। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी कौन लेके आया, बलबान। ऑटोक्रेटिक कौन है, बलबान। कहां से सीखा है सब उसने, भाई पर्शिया को देख के सीखा। घुस रहा दिमाग में, हो रहा याद, यस सर। और दो चार चीजें हैं, इसने खुद को बोला जिल्ले इलाह या जिल्ले इलाही, पॉपुलर टर्म है मूवीज वगैरह में देखा होगा, जिल्ले इलाही बोला, यानी ही इज सेकेंड ओनली टू प्रॉफिट इन प्राइड एंड प्रेजुडिस, केवल प्रॉफिट इससे ऊपर है, ऐसा इसने कहा। अगेन गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव ऑन अर्थ है, यही सबसे रिलेटेड है, बट टर्म इंपॉर्टेंट है। जिल्ले इलाही कौन था, बोल देगा भाई फिरोज शाह तुगलक था, खिलजी था, नहीं बलवान था। बलवान बहुत कुछ है, बलवान
ब्लड एंड आयरन पॉलिसी वाला है, डिवाइन राइट है इसके पास, गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है, नियामते खुदाई है, जिल्ले अल्लाह ही है। अगेन इलाही अल्लाह नाम याद रख सकते हो कि गॉड का रिप्रेजेंटेटिव की कुछ बात चल रही है। ठीक है, सारे टर्म्स जितने बोलो रट्टा मार लो, दिमाग में रख लो, यही सर याद एक कर और लो। इलाही है ना सर, वो आई थिंक अकबर भी वो अपने आप दीन को कुछ इलाही है, बोलता था दीन इलाही, सर, दैट इज अ रिलीजन दैट इज यस अ रिलीजन, अ सेक्ट, नॉट एंड नेसेसरी अ कोई और। रिलीजन, बस ओके सर, दीन इलाही। उसने नया रिलीजन शुरू करने की कोशिश की थी, बट दी हिज पीपल इन द कोर्ट वर वेरी अपोजिट टू दैट, तो ओनली स्केप्टिकल टू इट। यस ओनली बीरबल वॉज द पर्सन हु एक्सेप्टेड हिज रिलीजन और सेक्ट, बस उसने किया ये काम, दीन इलाही। सर, दिस अबुल इज फजल ने रिलीजन। नहीं किया था क्या सर पता उस नहीं टाइम मैंने पे? आई चेक थिंक पढ़ा उसके था, कोर्ट वालों ने शायद। नहीं सारों ने नहीं किया था, बिकॉज इट इंक्लूडेड अ लॉट ऑफ अमीर्स एज वेल, बट मैंने एक जगह पढ़ा था कि पहला तो था ही वो बीरबल, एंड आई थिंक ही वाज द ओनली जिसने पूरी तरीके से सच्चे मन से एक्सेप्ट किया था, बिकॉज द अदर पीपल दे वर अ लॉट डिवोटेड टुवर्ड्स इस्लाम एज वेल, कोई ऐसा नहीं था जिसने इस्लाम छोड़ के दीन इलाही को मानने लग गए। यस सर, अब वो तो किंग है, जो बोल देगा वो तो मानना ही पड़ेगा, बट मन से एक्सेप्ट पूरी तरीके से अपने धर्म को छोड़ के इस पे आ जाना, ये बीरबल ने किया था। जिल्ले इलाही, नियामते खुदाई, सब कौन है, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी कौन है, बलबान कब आया, वो कब राज किया बलबान ने, 1266 से 1286, 66, 1266 से 1286, एटी ठीक है, सिक्स बहुत सारी चीजें इसके बारे में रट्टा मारने के लिए, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हु एस्टैब्लिश्ड द थियोरी ऑफ स्टेट। थियोरी ऑफ स्टेट क्या होता है, पॉलिटी के एनसीईआरटी में दिया है, फिलहाल हम केवल इसको रट्टा मारेंगे। थ्योरी ऑफ स्टेट को उसने जन्म दिया। सजदा सिस्टम लेके आइए, सजदा पता है, झुक के सलाम सर नहीं पता। करना, और ये के पबोस, किसिंग द फीट ऑफ सुल्तान, इसमें फीट ऑफ सुल्तान को नहीं किस किया जाता है, उसकी पोशाक जो होती है, जो भी सुल्तान ने पहना हुआ है कपड़ा, उसका जो सबसे लोअर एंड होता है उसको किस किया जाता है, किसिंग द फीट ऑफ सुल्तान उसको माना जाता है। पबोस और सजदा कौन लेके आया, बलबान, बलबन कहाँ का देख के लेके आया, अगेन ये सब पर्शिया से देख के लेके आया, पर्शियन चीजों से बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड था वो, पर्शिया से लेके आया ये सब, तो पर्शिया से लेके आया तो पर्शिया की और एक चीज लेके आएगा वो, नवरोज, द पर्शियन फेस्टिवल इंडिया में सेलिब्रेट करना किसने शुरू किया, बलबान। बहुत सारी चीजें इसके बारे में रट्टा मारने के लिए, आराम आराम से सारी रटेंगे। बलबान 1266 1266 में दिल्ली के थ्रोन पे बैठता है, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी लेके आता है, डिवाइन राइट लेके आता है कि डिवाइन राइट है सुल्तान के पास, ऑटोक्रेटिक होना चाहिए वो, गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव ऑन अर्थ है, नियामते खुदाई, जिल्ले इलाही सब है वो, थियोरी ऑफ स्टेट लेके आया उसने, ये सब सीखा कहाँ से, पर्शिया से, और क्या सीखा पर्शिया से, सजदा करवाना, पबोस करवाना, सजदा पबोस क्या है ये भी पूछ सकता है यूपीएससी में, क्या है ये सब, कॉइन्स का नाम है, कपड़े का नाम है, या रिस्पेक्ट शो करने का तरीका जेस्चर है, जेस्चर है, यस, ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, फनम आया था, क्या होता है ये फनम, राइट। तो सजदा, वो पबोस, ये सब, क्योंकि वो ऑटोक्रेटिक है, तो ये सारे काम आपको क्या दिख रहे होंगे, ये सारे जो काम करवा रहा है वो, एवरीथिंग इज डेडिकेटेड और डिवोटेड टूवर्ड्स दी रूलर, आप उसके सामने झुको, सजदा करो, राइट। पबोस किस इन द फीट ऑफ सुल्तान और दी हिज क्लॉथ, लोअर एंड ऑफ द क्लॉथ, व्हाट एवर ही इज वेयरिंग, हिज आउटफिट। नवरोज फेस्टिवल कौन लेके आया, बलबान लेके आया, बलबान की जगह नाम बदल के कुछ और रख देगा और पूछ लेगा सेंटेंस सही है कि गलत, ठीक है। बहुत धीरे धीरे जा रहे हैं, मेडिवल नहीं होता है लोगों का, यहीं पे कर लेंगे, जितना हो सके रट्टा मार लेंगे, दो चीजें यहां से लेके जाएंगे, पहला तो कॉन्फिडेंस कि भाई मैंने मेडिवल पढ़ लिया है ना, दूसरा दो चार क्वेश्चन सही हो जाएगा, अच्छी बात है। दीवाने अर्ज, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं, ठीक है, ये डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट, क्या है क्या है क्या नहीं है, दीवाने अर्ज बनाया इसने, अर्ज, दीवाने अर्ज किससे, मंगोल से लड़ने के लिए, क्योंकि अभी अभी गंगेज खान आके गए थे, अब धीरे धीरे गंगेज खान के जस्ट बाद थोड़ा सा और मजबूत होता है मंगोल एम्पायर, उसके बाद टूटने लगता है। दीवाने अर्ज बनाया था टू कॉम्बोट मंगल्स, अर्ज किसने बनाया था, कुछ ने, एक क्वेश्चन आया था मीर बख्श कौन बनाया, अभी रिसेंटली क्वेश्चन है, वो मुगल्स ने बनाया था, बोल देगा दीवाने अर्ज किसने बनाया, दीवाने अर्ज के साथ मुगल डाल देगा कि मुगलों ने दीवाने अर्ज बनाया, नो, दीवाने अर्ज बलबान ने बनाया, किससे लड़ने के लिए, मंगोल से लड़ने के लिए।
इमादुल मुल्क उसका एक मिनिस्टर सर था, मीर बख्श जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है क्या? डिफेंस रिलेटेड होता है मोटा मोटा, ओके सर, मीर बख्शी डिफेंस रिलेटेड, डिफेंस रिलेटेड यस होता है, रिसेंट PYQ था शायद 2-3 साल पुराना। इमादुल मुल्क नाम का एक आदमी था जिसको उसने अपना दीवाने अर्ज यानी वो मिनिस्टर बनाया था, और उसको खूब सारे पैसे दे के रखता था ताकि वो गद्दारी ना करे। ठीक है, स्टार्टिंग फेज ऑफ दी दिस सल्तनत पीरियड क्लियर हो गया, अब इसी के जस्ट बाद खलजी आ जाएगा। क्लियर है, एक बार वापस देख लें, आई होप सबको क्लियर होगा, ये बहुत ही सब स्लो जा क्लियर रहे हैं हम, राइट? और जितना हो सके है, ये रट्टा सब मारने वाली चीजों बहुत पे क्लियर। फोकस कर रहे हैं कि अब रटो। चलो शुरू किया हमने कुतुबुद्दीन ऐबक से, साल याद रखना 1206 से 1290 तक सिक्स चलता है फर्स्ट दिल्ली सल्तनत, यानी स्लेव डायनेस्टी जो है वो 1206 से 1290 तक चलती है, 1286 तक हम देख चुके हैं अब तक, है ना? तो 1206 से 1290 तक चलती है, पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि टर्क था, ममलुक सुल्तान भी कहते थे, 1206 से 1210 तक राज करता है। कैसे मारा था वो, कैसे मारा था, कैसे मारा था सर, कुतुब कुतुबुद्दीन ऐबक, कैसे मारा जो था? वो पोलो खेलते खेलते मारा पोलो था खेलते खेलते मारा था, अपना जो यस, गेम उसको था, चौगान भी कहते थे उस टाइम पे, राइट? चौगान, यस सर, ओके, चौगान। तो कुतुबुद्दीन ऐबक कुरान कुरान ख्वा भी कहते थे उसे, हु इज कुरान ख्वा, कुरान ख्वा इज द वन हु रिसाइट्स कुरान। अभी इन सबको अमीर अखुर की पोस्ट दी है, ठीक है, इसको भी दी है, यानी राजा बनने के पहले सारे अमीर अखुर बने थे, इम्पोर्टेंट नहीं है ये, नहीं पूछेगा, दिखा रहा हूँ। ऐबक का कैपिटल लाहौर था, ध्यान रखना अभी भी कैपिटल लाहौर ही है ना? ऐबक का कैपिटल क्या है? लाहौर। ऐबक का लाहौर, कैपिटल लाहौर, लाहौर, इसका कैपिटल लाहौर है। ये मालिक और सिपा सलार बन के ही रहा, जिसने खुद को कभी सुल्तान नहीं कहा। हु वाज द वन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान जिसने खुद को कभी सुल्तान नहीं कहा, कौन है वो? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को कुतुबुद्दीन लाख ऐबक, बख्श भी कहते थे, लाख बख्श क्यों? क्योंकि वो लाखों में डोनेशंस करता था। कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, 2.5 दिन का झोपड़ा, सब इसका बनाया हुआ है। कुतुब मीनार की शुरुआत इसने की, साथ किसने दिया है? अल्तमश ने भी थोड़ा सा बनवाया, थोड़ा फिरोज शाह तुगलक ने भी बनवाया। 1210 में ये चौगन या पोलो खेलते खेलते मर गया, ही वॉज बरीड इन लाहौर। पूछ लेता है आजकल की किसकी टूम कहाँ है, हुमायूं टूम कहाँ है, बाबर का टूम कहाँ है, जहांगीर का कहाँ है, अकबर का कहाँ है, ठीक है? तो ये याद रखो, ये लाहौर में बरी किया गया, क्यों वही मरा? अल्तमश, अल्तमश है सुल्तान आजम, अल्तमश है स्लेव ऑफ स्लेव। अल्तमश ने शुरू किया 1210 में और इसने राज किया 1236 तक। सुल्तान आजम है, इलबारी ट्राइब का था, गवर्नर ऑफ बुदाउन था, मंगोल इन्वेडर गंगीज खान अल्तमश के टाइम पे आया था। ख्वारज्म का रूलर जो था वो भाग के आ गया था, जलालुद्दीन मंगोल ने, ही रैन एंड केम टू इंडिया इन दी फॉर सीकिंग पॉलिटिकल असाइलम, बट ही वाज डिनाइड द पॉलिटिकल असाइलम बाय अल्तमश बिकॉज ही फियर्ड अ इन्वेजन बाय मंगोल्स। सो सक्सेसफुली ही केप्ट दी मंगोल इन्वेजन एट साइड और एट बे बिकॉज ही डिड नॉट गिव पॉलिटिकल असाइलम टू मिंगबुर्नी, हु वाज द रूलर ऑफ ख्वारज्म। मिंगबुर्नी, यस, 1225 में इसने कुछ किया, ये ठीक है, अपने लिए इंपॉर्टेंट है। इल्तुतमिश वाज द फर्स्ट पर्सन टू यूज अरेबिक, प्योर अरेबिक कॉइन्स, यस, क्योंकि गजनी और गौरी दोनों ने जो भी कॉइन्स लेके आया। अच्छा, गॉडेस लक्ष्मी का फोटो किसने रखा था, गौरी ने या गजनी ने? गौरी ने, संस्कृत वर्सेस किसने लिखे थे? गजनी ने, गजनी ने। प्योर अरेबिक कॉइन्स अब तक नहीं आए थे, सारे पोटेंशियल क्वेश्चंस हैं, ठीक है? तो इल्तुतमिश वाज द फर्स्ट टू यूज प्योर अरेबिक कॉइन्स। जीतल टंका, टंका जीतल इसने लेके आया था। टकसाल का नाम इंस्क्राइब करवाना इसी ने शुरू किया था। इसको एक सर्टिफिकेट मिला था, खिलत। खिलत क्या है? एक सर्टिफिकेट है जिस पे कहता है कि हम आपको राजा स्वीकार करते हैं। किसने दिया था ये? ये दिया था उस टाइम के कैलिफेट या खलीफा ने जो कि बगदाद में बैठते थे। इसको हमें कैसे पता चलती है बात? इब्न बतूता ने अपनी बुक में लिखा है। इसके बाद आती है रजिया सुल्तान, 1236 से 1240, ओनली 4 ईयर्स। इसके बाद आते हैं गयासुद्दीन बलबान, 1266 टू 1286, बीच के कुछ साल कोई कोई राजा दो तीन जन बने होंगे। उसके बाद ये मेन आया सर जिसमें वो शहलगानी सिस्टम से शुरू किया था, वही ना? शहलगानी व्हाट, प्लीज पार्डन, कौन, सिस्टम, विच सिस्टम? शहलगानी, शहलगानी, चहलगामी सिस्टम, व्हाट इज इट? आपने कुछ बोला उसके बारे में? नो आई थिंक इट वाज इल्तुतमिश ओनली, नो इट वॉज स्टार्टेड बाय अल्तमश, यस, चहलगानी। चहलगानी,
चहलगानी, वो चहलगानी सिस्टम, हाँ वो मेंशन नहीं, इसमें मेंशन नहीं है। राइट। यस यस, हाँ चहलगानी सिस्टम अल्तमश ने शुरू किया था। अच्छा, किस बारे में है ये, मतलब ये चहलगानी? इनहेरिटेंस के ऊपर है, जो थ्रोन है उसको इनहेरिट करने का एक सिस्टम है चहलगानी सिस्टम, जिसमें इज समथिंग रिलेटेड टू द थ्रोन। किसने शुरू किया था? अल्तमश ने शुरू किया था। यस सर। तो उसमें कुछ नोबल लोग होते हैं, मेन 40 लोग उसने रखे थे, जो कुछ मेन लोग होते हैं वही लोग सारा काम, मेन काम एडमिनिस्ट्रेशन का देखते हैं, और वो थ्रोन को प्रोटेक्ट भी करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ऐसा चलता था, बाद लेटर पीरियड्स में भी चला, कि दे एग्जीक्यूट द किंग, पॉइजन द किंग, या किसी तरीके से मरवा देते हैं, फिर ये राजा बच जाएंगे, जो कि हमने औरंगजेब के बाद बहुत सारा देखा है मॉडर्न हिस्ट्री में। अगर हम पढ़े औरंगजेब के बाद हमने देखा है, राइट, जहंदर शाह, मोहम्मद शाह रंगीला, और फिर दो तीन राजा आए और एक के बाद एक कोई मार देता है। अगर आप लोग ने विजिट किया होगा लाल किला, तो वहां पे एक पॉइंट है ऐसा जगह जहां पे लिखा है कि यहीं पे 3 मुगल किंग्स को मारा गया है, तो मिनिस्टर्स मिलके मार देते। तो चहलगानी सिस्टम एक थ्रोन को प्रोटेक्ट करने का सिस्टम था, जिसमें कुछ 40 लोग होते थे जो मेन काम देखते थे। सो यस, इट वॉज स्टार्टेड बाय अल्तमश, यू कैन राइट इट। इक्ता सिस्टम कौन लेके आया था? इक्ता, वैसे अभी आगे भी इसके एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेशन में चैप्टर्स हैं, सो आई थिंक वहां पे दिया होगा। अभी हम केवल क्रोनोलॉजी देख रहे हैं और इम्पोर्टेंट इवेंट्स देख रहे हैं। अभी भी हमारा मेन एडमिनिस्ट्रेशन वर्क देखना बाकी है ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो ठीक है, कुछ छूट जाता है तो वहां पे भी है वो, ठीक है। एक बार पूरा कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट भी देखेंगे, एक चैप्टर में वो है। तो गयासुद्दीन ओके, बलबान, बट इट वॉज वेरी ग्रेट ऑफ यू, यू रिमेम्बर्ड एंड यू टोल्ड टू अस, थैंक यू सो मच, रिगार्डिंग द चहलगानी सिस्टम। गयासुद्दीन बलबान 1266 से 1286, उसका दूसरा नाम उलूघ खान था, इलवारी टक से ये भी था। साल याद रखो, नाम याद रखो। अब इसने काम किए बहुत सारे, दिल्ली के थ्रोन को इनहेरिट किया 1266 में, ब्लड आयरन पॉलिसी, डिवाइन राइट ऑफ सुल्तान, ऑटोक्रेसी, गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव ऑन अर्थ, नियामत खुदाई, जिल्ले इलाही, फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू एस्टेब्लिश थ्योरी ऑफ स्टेट, सजदा सिस्टम, पबोस सिस्टम एंड नवरोज का फेस्टिवल, और दीवाने अर्ज मिनिस्ट्री, सब कुछ बलबान। अब इसके नोट्स बनाने होंगे तो कैसे बनाओगे? मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे बलबान का, बलबान का लिख लो 1266 से 1286, उसके बाद ये सारा एक एरो मारो, ब्लड एंड आयरन, बस और कुछ नहीं लिखना है। ब्लड एंड आयरन क्या है हमें पता है। एक और एरो मारो, लिख दो डिवाइन राइट, एक और एरो मारो, लिख दो ऑटोक्रेटिक, एक और एरो मारो, लिख दो गॉड रिप्रेजेंटेटिव यानी नियामत खुदाई, एक और एरो मारो, लिख दो जिल्ले इलाही, एक और एरो मारो, लिख दो थ्योरी ऑफ स्टेट, एक और एरो मारो, उसमें लिख दो सजदा पबोस। अब पबोस किसिंग द फीट होता है, ये भी रट्टा मार के याद रखो, लिखो मत। उसके बाद एक और एरो मारो, नवरोज। अब वो नवरोज इंडिया में लेके आया, पूरा लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, केवल नवरोज, बाकी चीजें रट्टा मारो, क्योंकि क्विक रिविजन करना है हमें, तो नवरोज देख के बाकी सब याद आ जाएगा कि हाँ उसका। और दूसरा लिखो दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज क्योंकि बहुत सारे दीवाने तो हो सकते हैं, भूल जाओ, लिख देना स्टार्ट में, साइड में लिख देना मिलिट्री डिपार्टमेंट टू कॉम्बोट मंगोल्स। बस अगर नोट्स बनाना है तो नोट्स बनाने का ये तरीका है। अल्तमश का लिखना होगा तो अल्तमश मारो लाइन और लिखो सुल्ताने आजम, स्लेव ऑफ स्लेव, लिख दो गेंगिस खान आया था इसी के टाइम पे ना, गेंगिस खान अराइव्स, लिख दो प्योर अरेबिक कॉइन्स, लिख दो जीतल टंका, लिख दो खिलत सर्टिफिकेट, लिख दो टू बेल्स, ठीक है। बस बहुत ही छोटे में फिर 10-15 पेज में आपके नोट्स खत्म हो जाएंगे, रिवीजन में भी आसान, बैठोगे 1 घंटे में, 1.5 घंटे, 2 घंटे में रिवीजन खत्म, जिस जिस लेवल का प्रिपरेशन रहेगा, नहीं रहेगा तो 4 घंटे में भी खत्म होगा। बट दीज आर क्विक रिविजन नोट्स जो आपके होने चाहिए फाइनल पेपर वाले दिन, इसको एक नजर घुमाओ और पूरा खत्म, पूरा पीडीएफ थोड़ी लेकर बैठेंगे पढ़ने के लिए। अब इसमें आपको कहीं और से कुछ और मिलता है तो हर, यू कैन डू इट एनी वे, हर पेज के राइट साइड में या लेफ्ट साइड में थोड़ी सी जगह छोड़ दो, एक लाइन मार दो, 3/4 पेज पे लिखो, 1/4 पेज छोड़ दो, या तो हर पेज के पीछे आधा पेज छोड़ दो, समथिंग, सम डू समथिंग जिसमें आप कुछ चीजें छोड़ सको। अब जैसे अभी पता चला कि चहलगा लेके ये लेके आया था, तो बाजू में लिख देंगे अलग कलर के पेन से अल्तमश लेके आया था, क्यों? क्योंकि ये चीज हमें पहले पता नहीं थी, तो अलग कलर के पेन से लिखा होना चाहिए ताकि इस पे ध्यान ज्यादा जाए, क्योंकि ये मुझे कम याद है, राइट। नोट बनाना शुरू कर दो, काम आएगा। दीवाने अर्ज, और दीवाने अर्ज कौन लेके आया था? बलवान, राइट। यस सर। आई होप आप लोगों को याद हो रहा होगा, और अब हम दूसरे चैप्टर यस की सर। तरफ चलेंगे, जिसमें हम आगे की सल्तनत पीरियड के बारे में पढ़ेंगे।
अब शुरू होगा खलजी। तो अगेन टाइम पीरियड में बता दूं, 1191 में पहला बैटल ऑफ तराइन, 1192 में सेकंड बैटल ऑफ तराइन, 1194 में बैटल ऑफ चंदावर, फिर 1206 तक कुतुबुद्दीन ऐबक था बट इंडिपेंडेंस नहीं थी, 1206 में इंडिपेंडेंस मिल गई बट उसने सुल्तान नहीं लगाया अपने नाम के आगे। उसके बाद 1210 में आता है कौन, अल्तमाश, 1210 से 1236 तक अल्तमाश, 1236 में रजिया सुल्तान, 1240 तक, फिर बीच के 26 साल कोई कोई राजा रहते हैं हमें जानने की जरूरत नहीं है। फिर 1266 में आता है बलबान, गयासुद्दीन बलबान, दूसरा नाम उलुग खान, और उसने बहुत सारी चीजें लेके आए, दीवाने अर्ज, पबोस, सजदा, नवरोज, नियामत खुदाई, जिले इलाही, सब कुछ लेके आए। ये हो गया याद। अब हम आते खलजी डायनेस्टी पे। 1266 से 1286 तक बलबान था, उसके बाद 4 साल कोई राजा बनता है, आई थिंक उसका बेटा बनता है बट कुछ खास हो नहीं पाता, और ये जलालुद्दीन खलजी एस्टैब्लिश दी खलजी डायनेस्टी 1290। पद्मावत अगर आप लोगों ने देखी है तो जलालुद्दीन खलजी दिखता है उसमें, राइट? अलाउद्दीन जब ऑस्ट्रिच लेके मारता है आता है, उसको। जो बैठा होता है वो कौन है? वो जलालुद्दीन खलजी है जिसको मारता है, राइट? ही ऑल्सो किल्स ना। या ही ऑल्सो किल्स, सब ये एक दूसरे को मार के ही बन रहे हैं ये सब। गयासुद्दीन भी किसी को मार के सर बना। जो एक चीज थी सर इसमें, सर आर दे रिलेटेड टू बख्तियार खिलजी इन एनी वे? नॉट श्योर, बुक में कहीं नहीं दिया है, आई ट्राई टू फाइंड इट, दिया नहीं है कहीं पे कि बख्तियार खलजी और ये रिलेटेड है, बट सर ये तो है कि दोनों बख्तियार खिलजी जो है वो भी मोहम्मद गौरी के ही था ना। एक ट्राइब से, यस वो गौरी का था, एक ही ट्राइब से आते हैं बट दोनों के टाइम पीरियड में फर्क है, क्योंकि वो 1190 और ये 1290, ट्राइब एक ही है। सेंट्रल एशियन यस सर ट्राइब ट्राइब सिस्टम बहुत चलता था, अभी भी अरब में चलता बिल्कुल। है, पख्तून ट्राइब्स को अपने वो बहुत मानते हैं, अपने ट्राइबल स्टेटस को बहुत मानते हैं। तो खलजी ट्राइब एक ही है, जैसे ये इलबारी ट्राइब से था बट सम सॉर्ट ऑफ डायरेक्ट रिलेशन मिला नहीं है बख्तियार खलजी के साथ। अब हम चलते हैं जलालुद्दीन खलजी की तरफ। 1290 में शुरू होता है, क्रोनोलॉजी के हिसाब से जा रहे हैं, आई थिंक कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बीच बीच के जो कुछ साल गायब है उसमें कोई राजा होता है नहीं होता है, बन रहे हैं, हट रहे हैं, बीमार हैं, या उनकी इतनी पावर नहीं है, उनके मिनिस्टर्स ही राज कर रहे हैं, फिर कोई मार के उसको बन जाता है। तो जलालुद्दीन खलजी एस्टैब्लिश करता है खलजी डायनेस्टी 1290। 1192 से शुरू हुई थी बात, 1290 पे पहुंच चुकी है, बीच में 3 राजा देख चुके हैं हम लोग, रजिया को ले ले तो 4, किलो खरी या किलगौड़ी नाम के जगह पे वॉज क्राउंड। ये सब नाम अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जलालुद्दीन खलजी वाज द फर्स्ट टर्किश सुल्तान ऑफ दिल्ली हु बिलीव्ड इन लिबरल ऑटोक्रेसी। इसके पहले हमने कंप्लीट ऑटोक्रेसी देखी है, किसकी? बलबान की, राइट? ये बिलीव करते थे लिबरल ऑटोक्रेसी में। इन्होंने अमीरे तुजुक की पोस्ट ऑफर की अलाउद्दीन को, ऊपर हमने देखे थे 2 पोस्ट जो दूसरे थे। अलाउद्दीन खिलजी वॉज द ऑनर्ड विद द सूबेदारी ऑफ कारा मानिकपुर बिकॉज ऑफ हिज इंपॉर्टेंट रोल इन सप्रेसिंग द रिलेट ऑफ मलिक छज्जू। बैकग्राउंड दे रहा है बस और कुछ नहीं। अलाउद्दीन वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हु एस्टैब्लिश्ड द कंट्रोल ऑफ स्टेट ऑन द रिलीजन। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टेट रिलीजन पे स्टेट का कंट्रोल किसने शुरू किया? अलाउद्दीन ने। खलजी डायनेस्टी किसने शुरू की? जलालुद्दीन में, 1290 में इसने ये शुरू किया। खलजी डायनेस्टी शुरू होती है 1290 में, इसको मार के अलाउद्दीन राजा बन जाता है। अलाउद्दीन वाज द फर्स्ट टू स्टार्टेड द कंट्रोल ऑफ स्टेट ऑन रिलीजन। अकबर का नाम दे देगा? नहीं। बलबान का दे देगा? नहीं। अलाउद्दीन ही कॉल्ड हिमसेल्फ यमिनुल खिलाफत। एक यमिन हम ऊपर देख चुके हैं, है ना? गजनवी कौन था? गजनवी। ये है यमिनुल खिलाफत, पूरा नाम है यमिनुल यमिनुल खिलाफत। खिलाफत नसीरी अमीरुल मुल्मैन। केवल नसीरुल यमिनुल खिलाफत याद कर लोगे तो भी चलेगा, केवल अपने को रिलेट करने आना चाहिए। ये दिखा तो ये पूरा रट्टा मार के हमको वहां, सब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं, राइट? तो यमिनुल खिलाफत, एक यमिन ऊपर गजनवी दिखा था, दूसरा यमिन नीचे अलाउद्दीन खलजी है। इसने चालू किया था कंट्रोल ऑफ स्टेट ऑन रिलीजन। ही रिमेंड फ्री ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ उलेमा क्लास। उलेमा क्लास यानी जो साथ में जो मिनिस्टर्स होते थे उनके इन्फ्लुएंस से वो फ्री ही था, यानी इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेता था। एम्बिशियस सुल्तान ही अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ सिकंदर टू सैनी। खुद को सिकंदर कहता था, सेकंड अलेक्जेंडर। सेकंड अलेक्जेंडर खुद को सानी। कौन? सिकंदर ए सानी। अलाउद्दीन खलजी कहता था खुद को, और इसने ये अपने कॉइन्स पे भी इंस्क्राइब करवाया था। उसका फेमस एक कमांडर था जफर खान, वॉज द बेस्ट करोजियस कमांडर ऑफ हिस टाइम,
वॉज किल्ड फाइटिंग अगेंस्ट मंगोल्स. नाम दिया है तो रट लो, जफर खान किसके टाइम पे था? खलजी के टाइम पे था. ये सेकंड लेयर में पढ़ना, जब एक बार ये पूरा अच्छे से हो जाए तो सेकंड लेयर में पढ़ना. अच्छा, जफर खान भी करके कोई था इसके साथ, ठीक है. ही वॉज एन एक्सेलेंट एंड करेजियस कमांडर, ठीक है. मंगोल्स वर सो सब इम्प्रेस बाय हिज ब्रेवरी ऑफ जफर खान एंड द परसिस्टेंस ऑफ खलजी आर्मी डेट दे बैक डाउन बाय 30 miles. ओरिजिनल नेम ऑफ जफर खान वॉज मलिक यूसुफ इस बारुद्दीन. कोई ठीक, कोई बात नहीं, नहीं याद करने की जरूरत है. पद्मिनी का वो पूरा चैप्टर हमें पता ही है, रानी पद्मिनी, राणा रतन सिंह, क्वीन पद्मिनी कमिटेड जौहर, ये भी हमने देखा ही है, राइट. राणा रतन सिंह डाइड ड्यूरिंग दिस बैटल. उसके बाद मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में लिखा, कितने साल बाद, लगभग 220 साल बाद, पद्मावत, राइट. 220 साल बाद लिखा है दिस स्टोरी. वो स्टोरी जो है वो चलती रहती थी. अ लॉट ऑफ टाइम्स ब्रिटिशर्स अक्यूज्ड इंडियंस कि उनको हिस्टोग्राफी नहीं आती है. व्हाट इज हिस्टोग्राफी? हिस्ट्री को लिखना. द कोर्ट हिस्टोरियंस एंड ऑल. यस, हिस्टोग्राफी का प्रोसेस होता है, मैं इतिहास लिख रहा हूँ जो भी हो रहा है कंटेम्पररी टाइम में, मैं लिख रहा हूँ फॉर द पीपल इन द कमिंग जनरेशन एंड सेंचुरीज टू रीड. बट 240 साल पहले हुई चीज को लिखने के लिए आपको पता तो होना चाहिए. सो हिस्टोग्राफी एग्जिस्टेड इन इंडिया एंड द क्लेम ऑफ ब्रिटिशर्स वॉज वेरी रॉन्ग बिकॉज इंपॉर्टेंट इवेंट्स को इंडिया में फोक लोर और फोक टेल्स के नाम से भी याद रखा जाता था, राइट. फोक टेल बना देंगे, उसका गाना बना देंगे. महिपाल गीत चलता है ऐसे बंगाल में, आल्हा चलता है यूपी वाले और एमपी वाले रीजन में जिसमें स्टोरीज याद की जाती हैं. तो 1540 में पद्मावत लिखी मलिक मोहम्मद जायसी ने, उसके थ्रू हमें ये सब चीजें पता चलती हैं. अलाउद्दीन के टाइम पे कुछ रिबेलियंस भी हुए थे और उसने उसको सप्रेस कर दिया था. पॉलिटिकल रिबेलियंस ये एडमिनिस्ट्रेटिव चीज है तो एक बार बस देख लेते हैं रट्टा इसको, सेकंड एंड थर्ड वाले में मारना है. फर्स्ट ऑर्डिनेंस था गिफ्ट्स पेंशन और लैंड रिसीव इन डोनेशन वर बैंड एंड द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वर ऑर्डर्ड टू कलेक्ट मोर एंड मोर टैक्सेस. गिफ्ट पेंशन या डोनेशन में लैंड दे दिया ये सब उसने बंद कर दिया कि किसी को दे दिया इसका जो भी टैक्स होगा तुम कलेक्ट करोगे सब बंद. और अच्छे से ज्यादा टैक्स लेने उसने बोला. इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट सेटअप किया था इसने, ये चलो ये इंपॉर्टेंट है. इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट किसने सेटअप किया? खलजी ने. ड्रिंकिंग एल्कोहल, कैनबिस, गैम्बलिंग सब कुछ बैन कर दिया, राइट. मुस्लिम रूल है और इसमें ये सब अलाउड नहीं है. फोर्थ ऑर्डिनेंस में मार्शल रिलेशंस बिटवीन नोबल्स एंड आमिर्स बैन कर दिया, सॉरी मैरिटल रिलेशंस बिटवीन नोबल्स एंड आमिर्स, मतलब जो कोर्ट के नोबल्स हैं उलमा क्लास हायर क्लास और दूसरे लोगों के बीच में मैरिटल रिलेशंस उसने बंद कर दिए कि आप नहीं शादी कर सकते. कोर्ट में उसने मना कर दिया कौन कौन किसकी बेटा किससे शादी करेगा ये भी राजा डिसाइड करेगा, ठीक है. सर आमिर यानी आम आदमी नहीं, एक अनदर लेयर ऑफ ब्यूरोक्रेसी होगी. इट्स नॉट आम आदमी. आमिर यस सर. डजंट साउंड लाइक. इंटॉक्सिकेशन बंद. इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट सेटअप किसने किया? तुगलक का नाम दे लेगा, जलालुद्दीन का नाम दे देगा, बलबान का नाम दे देगा. नहीं, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट अलाउद्दीन खिलजी, राइट. अलाउद्दीन खिलजी. रामचंद्र देव वाज द रूलर ऑफ देवगिरी. ये इंसिडेंट भी दिखाया है हल्का सा देवगिरी पे पद्मावत मूवी में, जब देवगिरी पे वो हमला करता है अलाउद्दीन खिलजी, राइट. जलालुद्दीन को मारने का जस्ट पहले है ये शायद इंसिडेंट. यस सर. हाँ सर, ये इंसिडेंट देवगिरी वाला इंसिडेंट भी मूवी में दिखाया है. चीजों को देखो तो अब हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में देखो. ठीक है, तो उसने हराया, फिर टैक्स लेने का बोला था बट टैक्स देवगिरी नहीं भर रहा था तो वापस से. सर देवगिरी शायद दौलताबाद है ना? यस इट इज दैट. देवगिरी इज दौलताबाद जिसका नाम बाद में, अब जिसको तुगलक ने आके दौलताबाद करेगा. यस शिफ्ट करना चाहा. हां सर. यस मलिक कफूर का साउथ इंडिया का एक एक्सपेडिशन भी बहुत फेमस है, राइट. मलिक कफूर साउथ जाता है, मलिक कफूर साउथ इंडिया जाता है कॉन्कर करने, तो वो देवगिरी पे वापस अटैक करते हैं 1307 में. इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस राजा कौन था इस समय याद रखो, रामचंद्र देव था. रामचंद्र देव नाम का राजा था जो अलाउद्दीन की कंटेम्प्रेरी था और उसको हराया था. ये आ गई इंपॉर्टेंट चीज.
अलाउद्दीन वॉज द फर्स्ट सुल्तान हु स्टार्टेड कलेक्टिंग रेवेन्यू बाय मेजरमेंट ऑफ लैंड. लैंड रेवेन्यू से तो इतना प्रेम है यूपीएससी को, अलग अलग तरीके से इसको पूछता रहता है. उसने सेपरेट डिपार्टमेंट चालू किया, दीवाने मुश्तक राज. दीवाने अर्ज किसने शुरू किया था? बलबन. बलबन. दस दस बारह दीवान तो मैं याद करा दूंगा तुम लोग को. अब इससे हो जाता है तो अच्छा, वरना एलिमिनेशन में तो आसानी मिलेगी. दीवाने अर्ज बलबान मंगोल से लड़ने के लिए, मिलिट्री रिलेटेड. ठीक है, मिलिट्री बोल देगा. फाइनेंस रिलेटेड है, रेवेन्यू कलेक्शन नहीं, मिलिट्री रिलेटेड है वो. दीवाने मुश्तक राज खलजी ने चालू किया था टैक्स कलेक्शन के लिए, राइट. मुश्तक राज टैक्स कलेक्शन के लिए. अलाउद्दीन खलजी टुक द अथॉरिटी ऑफ टैक्स कलेक्शन फ्रॉम द ट्रेडिशनल टैक्स ऑफिसर, जो कि खत मुकादम और चौधरी होते थे. ट्रेडिशनल ऑफिसर्स उसने ले लिया, उनके सारे प्रिविलेजेस बंद कर दिए. और टैक्सेस वर कलेक्टेड फ्रॉम देयर लैंड्स एंड द रेस्ट अदर टैक्सेस वर आल्सो टेकन, ड्यू टू व्हिच देयर वाज नो डिफरेंस बिटवीन खत एंड बलार ऑर्डिनरी फार्मर. तो यानी कि जो ये ट्रेडिशनल सिस्टम चला रहा था, खिलजी ने उसको बंद कर दिया. खत मुकादम चौधरी क्या होते थे? खत मुकादम क्या होता है? अगेन टैक्स ऑफिसर होते थे. जिनको लैंड ग्रांट्स दिए गए थे उसने वापस ले लिए, राइट. कि तुमको दान में दे दिया, वो सब उसने वापस लिया, क्योंकि उसको रेवेन्यू चाहिए, उसको चाहिए बहुत सारा टैक्स. वो टैक्स उनको मिल नहीं रहा था तो वापस ले लिया खिलजी ने. खर्च क्या है, सवाल पूछ लेगा, खर्च क्या है? लैंड टैक्स. ये देखो इंपॉर्टेंट लाइन है. अलाउद्दीन ने खलजी ने कितना फिक्स किया था? 50% ऑफ द यील्ड. कितना टैक्स फिक्स हुआ था? 50%. क्वेश्चन पूछ लेता कि हाफ देना पड़ता था, 50% देना पड़ता था, वन हाफ ऑफ द आपका यील्ड आपको टैक्स, ये किसके अंडर देना पड़ता था? अलाउद्दीन खिलजी के अंदर. आधा आपको देना पड़ेगा यील्ड का, लैंड टैक्स देना पड़ेगा. खर्च क्या है? लैंड टैक्स. अगेन सवाल पूछ लेगा, खर्च क्या होता है? लैंड टैक्स होता है. दीवाने मुश्तक राज किसने एस्टैब्लिश किया? अलाउद्दीन खिलजी ने एस्टैब्लिश किया. अलाउद्दीन खिलजी वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ इंडिया हु हैड फिक्स्ड द रेवेन्यू ऑन रियल इनकम ऑफ द लैंड. इंपॉर्टेंट लाइन. तो अभी हमने को देखने मिल रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी लैंड रेवेन्यू में बड़ा काम करता है. तो अगर आगे चल के कोई सवाल पूछ लेता है जो हमें नहीं भी ध्यान में आता है, बट इतना चीज ध्यान में होना चाहिए कि चलो खलजी ने कुछ तो लैंड रेवेन्यू पे बहुत कुछ किया है, तो उसके हिसाब से मैं कुछ गैसवर्क कर सकूं. अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट कंट्रोल इनिशिएट किया. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा. मार्केट कंट्रोल या प्राइस कंट्रोल पॉलिसी जो इस समय आरबीआई करता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, राइट. इंडियन गवर्नमेंट करती है. प्याज के भाव बढ़ रहे हैं तो वो एक्सपोर्ट बैन कर देगी या मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगा देगी, राइट. ऑपरेशन ग्रीन्स इकोनॉमी में पढ़ा होगा, मार्केट कंट्रोल, ठीक है. प्राइस कंट्रोल पॉलिसी, अलाउद्दीन अपॉइंटेड ऑफिशियल्स फॉर द सक्सेस ऑफ हिज मार्केट कंट्रोल पॉलिसी. अकॉर्डिंग टू बर्रानी द पर्पस ऑफ दिस मार्केट वाज टू सपोर्ट द ह्यूज आर्मी अगेंस्ट द मंगोल्स. क्यों कर रहा है इतना सब कुछ? मंगोल से लड़ना है भाई, पैसे चाहिए. एंड टू कंट्रोल द आइडिया ऑफ रिबेलियन अमंग हिंदूज, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चालू हुआ था. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये सब रट्टा मार लो, यही रट लो. पीडीएस किसने चालू किया था? आज जो दाल चावल अनाज बट रहा है, किसने चालू किया था? खिलजी ने चालू किया था. दो नए टैक्सेस थे, घरी हाउस टैक्स. बरानी कौन है इसमें? बरानी इज अ हिस्टोरियन, इसका कंटेम्पररी नहीं है. कोर्ट हिस्टोरियन? नो, नॉट कोर्ट हिस्टोरियन. ही इज अ हिस्टोरियन, नॉट कोर्ट हिस्टोरियन. बाद में लिखा गया है. सर ये अभी का स्कॉलर है कोई? यस, अभी का या थोड़ा पहले का भी हो सकता है, नाम से लग रहा है, बट कंटेम्पररी तो नहीं है. घरी और चराई, घरी चराई नाम के दो टैक्स नए लेके आया ये. खरज एक हमने देखा था, खरज, खरज लैंड टैक्स, खरज, खरज घरी चराई कौन लेके आया? बलवान नहीं, खलजी लेके आया. खलजी, खलजी लेके आया है ना. तो घरी चराई, घरी चराई, चराई घरी खरज. रट्टा मारो, यही रट्टा मारो. दीवाने मुश्तक राज कौन लेके आया? खिलजी. दीवाने अर्ज कौन लेके आया? बलबन. बलबन, ठीक है. तो घरी चराई, अभी क्या पहली बार है तो कम समझ में आ रहा है, कल वापस जब इसको रिवाइज करेंगे तो अच्छे से रीड करोगे तो अच्छे से रट्टा मार के हो जाएगा, ठीक है. घरी और चराई. यस सर, यस सर. बाउंड्री क्या थी दिल्ली सल्तनत और मंगोल्स के बीच में? रावी रिवर. अगेन खलजी के टाइम पे बाउंड्री क्या थी? रावी रिवर. रावी रिवर एक और चीज के लिए इंपॉर्टेंट है. नेहरू ने जो झंडा फहराया था 31 दिसंबर 1930 लाहौर में, कौन सी नदी थी वो? रावी नदी के किनारे फहराया था, राइट. याद आ रहा है?
1930 का यस सर कांग्रेस सेशन, कराची सेशन हुआ था इसके बाद 31 में। चलो, यस सर रावी रिवर वॉज द बाउंड्री बिटवीन दिल्ली सल्तनत एंड मंगोल्स ड्यूरिंग द रीन ऑफ अलाउद्दीन खलजी, कब? 1306 में ये हुआ था। अब इनके जस्ट बाद की थोड़ी सी चीजें यहाँ पे लिखी है। ड्यूरिंग द रूल ऑफ सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक, ये आगे आएगा। द मंगोल आर्मी हैड सरपास्ड द इंडस अंडर द लीडरशिप ऑफ शिर मुगल इन 1325, बट ही वॉज डिफीटेड बाय मलिक शादी द सूबेदार ऑफ समन। मुबारक खलजी डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ खलीफा एंड अज्यूम दैट। अब ये यहाँ शुरू हो गए क्योंकि खलीफा बनने की भी होड़ लगी होती थी। जो बड़ा राजा बनेगा और ज्यादा पावरफुल बन जाएगा वो अब बोलेगा मैं खलीफा, तो इन्होंने भी खुद को खलीफा घोषित कर दिया था। हालांकि माने तो नहीं गए होंगे, बट मुबारक खलजी डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ खलीफा एंड अज्यूम द टाइटल एज अल इमाम उल इमाम खिलाफतुल्लाह ऑफ विच ही वॉज ऑलवेज इनकेपेबल। नसीरुद्दीन खुसरो शाह वॉज अ कन्वर्टेड मुस्लिम फ्रॉम हिंदुइज्म, ही अज्यूम द टाइटल ऑफ कमांडर ऑफ द प्रॉफेट, पैगंबर का सेनापति। हिज ओपोनेंट्स कॉल्ड हिम एनिमी ऑफ इस्लाम एंड गेव द स्लोगन इस्लाम इज इन डेंजर। इसमें से रटना क्या है? ये नसीरुद्दीन खुसरो एक लाइन डाल के पूछ लेगा कि इनको क्या कहते थे, पैगंबर का सेनापति बोलते थे खुद को। अगेन हिंदू से कन्वर्ट हुए तो हिंदी नाम ही रखेंगे, अचानक से फारसी तो सीख नहीं जाएंगे। पैगंबर का सेनापति कौन है? नसीरुद्दीन खुसरो। 1320 के आसपास यहाँ पे खलजी डायनेस्टी खत्म होती है। कल हम आएंगे वापस से इसको रिवाइज करेंगे एक बार और अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। अगला चैप्टर नेक्स्ट डायनेस्टी, ठीक है? आर यू यस गाइस सर फॉलोइंग? ये जो फ्लो जा रहा है समझ में आ रहा है? यस सर बार बार करेंगे तो याद हो जाएगा। और यहाँ पे आपका आने का मोटिव है रट्टा मारना। अब रट्टा मार लो, यहीं पे रट्टा मार लो, राइट? सो वी विल एंड अप एंड हियर और कल से शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। इसको भी एक बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है? ओके सर, चलो, थैंक यू सो मच, बाय। थैंक यू सर।